हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं इस वीडियो में फिल्म के जो रोचक बातें हैं, जैसे कि फिल्म का डेवलपमेंट, कास्टिंग, फिल्मिंग एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और लोगों के द्वारा दिया हुआ रिव्यूज़ और उनका क्या कहना है इस फिल्म के बारे में, और ये फिल्म किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई है और थिएटर पर कब तक रिलीज़ की जाएगी और OTT प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन कब तक दिखी जाएगी और YouTube पे अवेलेबल है या नहीं, इन सारी बातों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिले। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैंने इस वीडियो में मूवी को बहुत अच्छे से रिव्यू किया है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो फिर शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। फर्रे 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की डकैती थ्रिलर फिल्में, जिसका निर्देशन सोमेंद्र पाथी ने किया है। इसमें अली जे, अग्निहोत्री के साथ रोनित रॉय, साहिल मेहता, जॉन शॉ, प्रसन्ना बिष्ट, जूही बब्बर और शिल्पा शुक्ला मुख्य भूमिका में हैं। यह 2017 की थाई फिल्म बैड जीनियस का आधिकारिक रीमेक है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो नियति सिंह के रूप में हैं अली जे हैं अग्निहोत्री, इशरत कडा के रूप में रोनित रॉय, आकाश के रूप में हैं साहिल मेहता, जैन शॉ, प्रतीक के रूप में हैं छवि के रूप में प्रसन्ना बिष्ट, छवि के पिता के रूप में हैं अरबाज खान, जोया के रूप में जूही बब्बर, वेदिता मैथ्यू के रूप में शिल्पा शुक्ला, छात्र के रूप में हैं ईशान जैक, हमें इस फिल्म में दिखाई देते हैं। बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत सचिन जिगर द्वारा संगीत रचित है। गीत जिगर सरेया, मेलोडी अभिषेक दुबे, सचिन जिगर और MC स्टेन द्वारा लिखे गए हैं। बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज़ के बारे में तो फ्रेंड्स, समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटेन टोमेटोज पर 11 आलोचकों में से 82% समीक्षकाएं सकारात्मक है, जिनकी औसत रेटिंग 5.6 आउट ऑफ 10 है। इसे आलोचकों से मिश्रित से सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसमें अली जे के प्रदर्शन की प्रशंसा की गई। NDTV के सेबल चटर्जी ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दी और कहा कि अली जे अब तक फिर का सबसे चमकीला बिंदु है, वह एक बड़ी भूमिका निभाते हैं और इसका श्रेय देती है। साहिल मेहता, प्रसन्ना बिष्ट और जैन शॉ अन्य 3 युवा कलाकार हैं। कलाकारों की टुकड़ी में चित्रित करने के लिए कुछ हद तक कम बारीकी भूमिकाएं निभाते हैं, लेकिन फिर भी वे फिल्म को एक स्थिर ऊर्जा देते हैं। इंडिया टुडे के तुषार जोशी युवा सितारों का यह समूह रोमांचकारी मार्कशीट में शीर्ष पर है। द इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से 3 स्टार रेटिंग दी और अग्निहोत्री के प्रदर्शन की प्रशंसा की और कहा, यह अग्निहोत्री है जिनकी बुद्धिमत्ता और महत्वाकांक्षा फेरे के केंद्र में है, कहानी को एक साथ रखती है और अपने चरित्र को प्रसंगीत बनाए रखती है। वह फिल्म के विभिन्न चरणों में नियति के बदलावों को भी चतुराई से चित्रित करती है। हिंदुस्तान टाइम्स के प्रणय पाठक ने कहा कि सलमान खान की भतीजी अली जेहन अग्निहोत्री सोमेंद्र पाथी की नवनीत फीचर फिल्म में एक मजबूत सिनेमाई शुरुआत करती है। द
ट्वीट की प्रतीक्षा मिश्रा 5 में से 3 स्टार रेटिंग देती है और कहा कि अली जो बाकी कलाकारों से अलग है कुछ हद तक क्योंकि उसका चरित्र सबसे अधिक विकसित है और कुछ हद तक उसके ऑन स्क्रीन व्यक्तित्व के कारण जो दर्शकों को चरित्र के साथ पहचानने में मदद करता है। बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो फ्रेंड्स फर्रे की थिएट्रिकल रिलीज 24 नवंबर 2023 को हुई थी। इसे घरेलू स्तर पर 1000 स्क्रीनों पर रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब जहां पर आप इस फिल्म को ऑनलाइन देख पाएंगे तो फ्रेंड्स फर्रे 5 अप्रैल 2024 को स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज होने वाली है। मतलब इसको आप इस मूवी को अब आप ऑनलाइन Zee5 पर देख सकते हैं। फर्रे एक 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की डकैत थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन सोमेंद्र पाथी ने किया है। इसमें अली जे अग्निहोत्री के साथ रोनित रॉय साहिल मेहता जैन शॉ प्रसन्ना बिष्ट जूही बब्बर और शिल्पा शुक्ला मुख्य भूमिका में हैं। यह 2017 की थाई फिल्म बैड जीनियस का आधिकारिक रीमेक है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो नियति सिंह के रूप में हैं अली जी हैं अग्निहोत्री, इशरत कडा के रूप में रोनित रॉय, आकाश के रूप में हैं साहिल मेहता, जैन शॉ प्रतीक के रूप में हैं, छवि के रूप में प्रसन्ना बिष्ट, छवि के पिता के रूप में हैं अरबाज खान, जोया के रूप में जूही बब्बर, वेदिता मैथ्यू के रूप में शिल्पा शुक्ला, छात्र के रूप में हैं ईशान जैक हमें इस फिल्म में दिखाई देते हैं। बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत सचिन जिगर द्वारा संगीत रचित है। गीत जिगर सरैया, मेलोडी अभिषेक दुबे सचिन जिगर और MC स्टेन द्वारा लिखे गए हैं। बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में तो फ्रेंड्स समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटेन टोमेटोज पर 11 आलोचकों में से 82% समीक्षकाएं सकारात्मक है जिनकी औसत रेटिंग 5.6/10 है। इसे आलोचकों से मिश्रित से सकारात्मक समीक्षा मिली जिसमें अली जेह के प्रदर्शन की प्रशंसा की गई। NDTV के सेबल चटर्जी ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दी और कहा कि अली जेह अब तक फिर का सबसे चमकीला बिंदु है। वह एक बड़ी भूमिका निभाते हैं और इसका श्रेय देती है। साहिल मेहता प्रसन्ना बिष्ट और जैन शॉ अन्य 3 युवा कलाकार हैं। कलाकारों की टुकड़ी में चित्रित करने के लिए कुछ हद तक कम बारीकी भूमिकाएं निभाते हैं लेकिन फिर भी वे फिल्म को एक स्थिर ऊर्जा देते हैं। इंडिया टुडे के तुषार जोशी युवा सितारों का यह समूह रोमांचकारी मार्कशीट में शीर्ष पर है। द इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से 3 स्टार रेटिंग दी और अग्निहोत्री के प्रदर्शन की प्रशंसा की और कहा यह अग्निहोत्री है जिनकी बुद्धिमत्ता और महत्वाकांक्षा फेरे के केंद्र में है। कहानी को एक साथ रखती है और अपने चरित्र को प्रसंगीत बनाए रखती है। वह फिल्म के विभिन्न चरणों में नियति के बदलावों को भी चतुराई से चित्रित करती है। हिंदुस्तान टाइम्स के प्रणय पाठक ने कहा कि सलमान खान की भतीजी अली जेहन अग्निहोत्री सोमेंद्र पाथी की नवनीत फीचर फिल्म में एक मजबूत सिनेमाई शुरुआत करती है। द ट्वीट की प्रतीक्षा मिश्रा 5 में से 3 स्टार रेटिंग देती है और कहा कि अली जो बाकी कलाकारों से अलग है कुछ हद तक
क्योंकि उसका चरित्र सबसे अधिक विकसित है और कुछ हद तक उसके ऑन स्क्रीन व्यक्तित्व के कारण जो दर्शकों को चरित्र के साथ पहचानने में मदद करता है। बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो फ्रेंड्स, फर्रे की थिएट्रिकल रिलीज 24 नवंबर 2023 को हुई थी। इसे घरेलू स्तर पर 1000 स्क्रीनों पर रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब जहां पर आप इस फिल्म को ऑनलाइन देख पाएंगे तो फ्रेंड्स, फर्रे 5 अप्रैल 2024 को स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज होने वाली है। मतलब इस मूवी को अब आप ऑनलाइन Zee5 पर देख सकते हैं। फर्रे एक 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की डकैती थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन सोमेंद्र पाथी ने किया है। इसमें अलीजे अग्निहोत्री के साथ रोनित रॉय, साहिल मेहता, जन शॉ, प्रसन्ना बिष्ट, जूही बब्बर और शिल्पा शुक्ला मुख्य भूमिका में हैं। यह 2017 की थाई फिल्म बैड जीनियस का आधिकारिक रीमेक है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो नियति सिंह के रूप में हैं अलीजे अग्निहोत्री, इशरत कडा के रूप में रोनित रॉय, आकाश के रूप में हैं साहिल मेहता, जैन शॉ प्रतीक के रूप में हैं, छवि के रूप में प्रसन्ना बिष्ट, छवि के पिता के रूप में हैं अरबाज खान, जोया के रूप में जूही बब्बर, वेदिता मैथ्यू के रूप में शिल्पा शुक्ला, छात्र के रूप में हैं ईशान जैक हमें इस फिल्म में दिखाई देते हैं। बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत सचिन जिगर द्वारा संगीत रचित है। गीत जिगर सरेया, मेलोडी अभिषेक दुबे, सचिन जिगर और एमसी स्टेन द्वारा लिखे गए हैं। बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में तो फ्रेंड्स, समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटेन टोमेटोज पर 11 आलोचकों में से 82% समीक्षकाएं सकारात्मक है जिनकी औसत रेटिंग 5.6 आउट ऑफ 10 है। इसे आलोचकों से मिश्रित से सकारात्मक समीक्षा का मिली जिसमें अलीजे के प्रदर्शन की प्रशंसा की गई। NDTV के सेबल चटर्जी ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दी और कहा कि अलीजे अब तक फिर का सबसे चमकीला बिंदु है। वह एक बड़ी भूमिका निभाते हैं और इसका श्रेय देती है। साहिल मेहता, प्रसन्ना बिष्ट और जैन शॉ अन्य 3 युवा कलाकार हैं। कलाकारों की टुकड़ी में चित्रित करने के लिए कुछ हद तक कम बारीकी भूमिकाएं निभाते हैं, लेकिन फिर भी वे फिल्म को एक स्थिर ऊर्जा देते हैं। इंडिया टुडे के तुषार जोशी युवा सितारों का यह समूह रोमांचकारी मार्कशीट में शीर्ष पर है। द इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से 3 स्टार रेटिंग दी और अग्निहोत्री के प्रदर्शन की प्रशंसा की और कहा, यह अग्निहोत्री है जिनकी बुद्धिमत्ता और महत्वाकांक्षा फेरे के केंद्र में है। कहानी को एक साथ रखती है और अपने चरित्र को प्रसंगीत बनाए रखती है। वह फिल्म के विभिन्न चरणों में नियति के बदलावों को भी चतुराई से चित्रित करती है। हिंदुस्तान टाइम्स के प्रणय पाठक ने कहा कि सलमान खान की भतीजी अली जेहन अग्निहोत्री सोमेंद्र पाथी की नवनीत फीचर फिल्म में एक मजबूत सिनेमाई शुरुआत करती है। द क्विट की प्रतीक्षा मिश्रा 5 में से 3 स्टार रेटिंग देती है और कहा कि अलीजे बाकी कलाकारों से अलग है कुछ हद तक क्योंकि उसका चरित्र सबसे अधिक विकसित है और कुछ हद तक उसके ऑन स्क्रीन व्यक्तित्व के कारण जो दर्शकों को
चरित्र के साथ पहचानने में मदद करता है। बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो फ्रेंड्स, फर्स्ट किंग थिएट्रिकल रिलीज 24 नवंबर 2023 को हुई थी। इसे घरेलू स्तर पर 1000 स्क्रीनों पर रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब जहां पर आप इस फिल्म को ऑनलाइन देख पाएंगे तो फ्रेंड्स, फरे 5 अप्रैल 2024 को स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज होने वाली है। मतलब इसको आप मूवी इस मूवी को अब आप ऑनलाइन Zee5 पर देख सकते हैं। फरे 1 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की डकैत थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन सोमेंद्र पाथी ने किया है। इसमें अली जे, अग्निहोत्री के साथ रोनित रॉय, साहिल मेहता, जॉन शॉ, प्रसन्ना बिष्ट, जूही बब्बर और शिल्पा शुक्ला मुख्य भूमिका में हैं। यह 2017 की थाई फिल्म बैड जीनियस का आधिकारिक रीमेक है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो नियति सिंह के रूप में हैं अली जी, हैं अग्निहोत्री, इशरत कडा के रूप में रोनित रॉय, आकाश के रूप में हैं साहिल मेहता, जैन शॉ प्रतीक के रूप में हैं, छवि के रूप में प्रसन्ना बिष्ट, छवि के पिता के रूप में हैं अरबाज खान, जोया के रूप में जूही बब्बर, वेदिता मैथ्यू के रूप में शिल्पा शुक्ला, छात्र के रूप में हैं ईशान जैक हमें इस फिल्म में दिखाई देते हैं। बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत सचिन जिगर द्वारा संगीत रचित है। गीत जिगर सरेया, मेलोडी अभिषेक दुबे, सचिन जिगर और एमसी स्टेन द्वारा लिखे गए हैं। बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में तो फ्रेंड्स, समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटेन टोमेटोज पर 11 आलोचकों में से 82% समीक्षकाएं सकारात्मक है जिनकी औसत रेटिंग 5.6/10 है। इसे आलोचकों से मिश्रित से सकारात्मक समीक्षा मिली जिसमें अली जेह के प्रदर्शन की प्रशंसा की गई। NDTV के सेबल चटर्जी ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दी और कहा है कि अली जेह अब तक फिर का सबसे चमकीला बिंदु है। वह एक बड़ी भूमिका निभाते हैं और इसका श्रेय देती है। साहिल मेहता, प्रसन्ना बिष्ट और जैन शॉ अन्य 3 युवा कलाकार हैं। कलाकारों की टुकड़ी में चित्रित करने के लिए कुछ हद तक कम बारीकी भूमिकाएं निभाते हैं, लेकिन फिर भी वे फिल्म को एक स्थिर ऊर्जा देते हैं। इंडिया टुडे के तुषार जोशी, युवा सितारों का यह समूह रोमांचकारी मार्कशीट में शीर्ष पर है। द इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से 3 स्टार रेटिंग दी और अग्निहोत्री के प्रदर्शन की प्रशंसा की और कहा, यह अग्निहोत्री है जिनकी बुद्धिमत्ता और महत्वाकांक्षा फेरे के केंद्र में है। कहानी को एक साथ रखती है और अपने चरित्र को प्रसंगीत बनाए रखती है। वह फिल्म के विभिन्न चरणों में नियति के बदलावों को भी चतुराई से चित्रित करती है। हिंदुस्तान टाइम्स के प्रणय पाठक ने कहा कि सलमान खान की भतीजी अली जेह अग्निहोत्री सोमेंद्र पाथी की नवनीत फीचर फिल्म में एक मजबूत सिनेमाई शुरुआत करती है। द क्विट की प्रतीक्षा मिश्रा 5 में से 3 स्टार रेटिंग देती है और कहा कि अली जेह बाकी कलाकारों से अलग है कुछ हद तक क्योंकि उसका चरित्र सबसे अधिक विकसित है और कुछ हद तक उसके ऑन स्क्रीन व्यक्तित्व के कारण जो दर्शकों को चरित्र के साथ पहचानने में मदद करता है। बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो फ्रेंड्स, फरे किंग थिएट्रिकल रिलीज 24 नवंबर 2023 को हुई थी।
इसे घरेलू स्तर पर 1000 स्क्रीनों पर रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब जहां पर आप इस फिल्म को ऑनलाइन देख पाएंगे तो फ्रेंड्स फरे 5 अप्रैल 2024 को स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज होने वाली है। मतलब इसको आप मूवी इस मूवी को अब आप ऑनलाइन Zee5 पर देख सकते हैं। फरे 1 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की डकैती थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन सोमेंद्र पाथी ने किया है। इसमें अली जे अग्निहोत्री के साथ रोनित रॉय साहिल मेहता जॉन शॉ प्रसन्ना बिष्ट जूही बब्बर और शिल्पा शुक्ला मुख्य भूमिका में हैं। यह 2017 की थाई फिल्म बैड जीनियस का आधिकारिक रीमेक है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो नियति सिंह के रूप में हैं अली जी हैं अग्निहोत्री, इशरत कडा के रूप में रोनित रॉय, आकाश के रूप में हैं साहिल मेहता, जेन शॉ प्रतीक के रूप में हैं, छवि के रूप में प्रसन्ना बिष्ट, छवि के पिता के रूप में हैं अरबाज खान, जोया के रूप में जूही बब्बर, वेदिता मैथ्यू के रूप में शिल्पा शुक्ला, छात्र के रूप में हैं ईशान जैक हमें इस फिल्म में दिखाई देते हैं। बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत सचिन जिगर द्वारा संगीत रचित है। गीत जिगर सरेया, मेलोडी अभिषेक दुबे सचिन जिगर और एमसी स्टेन द्वारा लिखे गए हैं। बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज़ के बारे में तो फ्रेंड्स समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटेन टोमेटोज पर 11 आलोचकों में से 82% समीक्षकाएं सकारात्मक है जिनकी औसत रेटिंग 5.6/10 है। इसे आलोचकों से मिश्रित से सकारात्मक समीक्षा का मिली जिसमें अली जी के प्रदर्शन की प्रशंसा की गई। NDTV के सेबल चटर्जी ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दी और कहा है कि अली जी अब तक फिर का सबसे चमकीला बिंदु है। वह एक बड़ी भूमिका निभाते हैं और इसका श्रेय देती है। साहिल मेहता प्रसन्ना बिष्ट और जेन शॉ अन्य 3 युवा कलाकार हैं। कलाकारों की टुकड़ी में चित्रित करने के लिए कुछ हद तक कम बारीकी भूमिकाएं निभाते हैं लेकिन फिर भी वे फिल्म को एक स्थिर ऊर्जा देते हैं। इंडिया टुडे के तुषार जोशी युवा सितारों का यह समूह रोमांचकारी मार्कशीट में शीर्ष पर है। द इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से 3 स्टार रेटिंग दी और अग्निहोत्री के प्रदर्शन की प्रशंसा की और कहा यह अग्निहोत्री है जिनकी बुद्धिमत्ता और महत्वाकांक्षा फेरे के केंद्र में है। कहानी को एक साथ रखती है और अपने चरित्र को प्रसंगीत बनाए रखती है। वह फिल्म के विभिन्न चरणों में नियति के बदलावों को भी चतुराई से चित्रित करती है। हिंदुस्तान टाइम्स के प्रणय पाठक ने कहा कि सलमान खान की भतीजी अली जेहन अग्निहोत्री सोमेंद्र पाथी की नवनीत फीचर फिल्म में एक मजबूत सिनेमाई शुरुआत करती है। द क्विट की प्रतीक्षा मिश्रा 5 में से 3 स्टार रेटिंग देती है और कहा कि अली जो बाकी कलाकारों से अलग है कुछ हद तक क्योंकि उसका चरित्र सबसे अधिक विकसित है और कुछ हद तक उसके ऑन स्क्रीन व्यक्तित्व के कारण जो दर्शकों को चरित्र के साथ पहचानने में मदद करता है। बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो फ्रेंड्स फरे की थिएट्रिकल रिलीज 24 नवंबर 2023 को हुई थी। इसे घरेलू स्तर पर 1000 स्क्रीनों पर रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब जहां पर आप इस फिल्म को ऑनलाइन देख पाएंगे तो फ्रेंड्स फरे 5 अप्रैल 2000
24 को स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म Z5 पर रिलीज होने वाली है। मतलब इस मूवी को अब आप ऑनलाइन Z5 पर देख सकते हैं। फर्रे एक 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की डकैती थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन सोमेंद्र पाथी ने किया है। इसमें अली जे, अग्निहोत्री के साथ रोनित रॉय, साहिल मेहता, जॉन शॉ, प्रसन्ना बिष्ट, जूही बब्बर और शिल्पा शुक्ला मुख्य भूमिका में हैं। यह 2017 की थाई फिल्म बैड जीनियस का आधिकारिक रीमेक है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो नियति सिंह के रूप में हैं अली जी, हैं अग्निहोत्री, इशरत कडा के रूप में रोनित रॉय, आकाश के रूप में हैं साहिल मेहता, जैन शॉ प्रतीक के रूप में हैं, छवि के रूप में प्रसन्ना बिष्ट, छवि के पिता के रूप में हैं अरबाज खान, जोया के रूप में जूही बब्बर, वेदिता मैथ्यू के रूप में शिल्पा शुक्ला, छात्र के रूप में हैं ईशान जैक, हमें इस फिल्म में दिखाई देते हैं। बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत सचिन जिगर द्वारा संगीत रचित है। गीत जिगर सरेया, मेलोडी अभिषेक दुबे, सचिन जिगर और एमसी स्टेन द्वारा लिखे गए हैं। बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में तो फ्रेंड्स, समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटेन टोमेटोज पर 11 आलोचकों में से 82% समीक्षकाएं सकारात्मक है, जिनकी औसत रेटिंग 5.6/10 है। इसे आलोचकों से मिश्रित से सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसमें अली जेह के प्रदर्शन की प्रशंसा की गई। NDTV के सेबल चटर्जी ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दी और कहा है कि अली जेह अब तक फिर का सबसे चमकीला बिंदु है, वह एक बड़ी भूमिका निभाते हैं और इसका श्रेय देती है। साहिल मेहता, प्रसन्ना बिष्ट और जैन शॉ अन्य 3 युवा कलाकार हैं। कलाकारों की टुकड़ी में चित्रित करने के लिए कुछ हद तक कम बारीकी भूमिकाएं निभाते हैं, लेकिन फिर भी वे फिल्म को एक स्थिर ऊर्जा देते हैं। इंडिया टुडे के तुषार जोशी, युवा सितारों का यह समूह रोमांचकारी मार्कशीट में शीर्ष पर है। द इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से 3 स्टार रेटिंग दी और अग्निहोत्री के प्रदर्शन की प्रशंसा की और कहा, यह अग्निहोत्री है जिनकी बुद्धिमत्ता और महत्वाकांक्षा फेरे के केंद्र में है, कहानी को एक साथ रखती है और अपने चरित्र को प्रसंगीत बनाए रखती है। वह फिल्म के विभिन्न चरणों में नियति के बदलावों को भी चतुराई से चित्रित करती है। हिंदुस्तान टाइम्स के प्रणय पाठक ने कहा कि सलमान खान की भतीजी अली जेहन अग्निहोत्री सोमेंद्र पाथी की नवनीत फीचर फिल्म में एक मजबूत सिनेमाई शुरुआत करती है। द क्विट की प्रतीक्षा मिश्रा 5 में से 3 स्टार रेटिंग देती है और कहा कि अली जो बाकी कलाकारों से अलग है कुछ हद तक, क्योंकि उसका चरित्र सबसे अधिक विकसित है और कुछ हद तक उसके ऑन स्क्रीन व्यक्तित्व के कारण, जो दर्शकों को चरित्र के साथ पहचानने में मदद करता है। बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो फ्रेंड्स, फर्रे की थिएट्रिकल रिलीज 24 नवंबर 2023 को हुई थी। इसे घरेलू स्तर पर 1000 स्क्रीनों पर रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी के होम मीडिया, मतलब जहां पर आप इस फिल्म को ऑनलाइन देख पाएंगे, तो फ्रेंड्स, फर्रे 5 अप्रैल 2024 को स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म Z5 पर रिलीज होने वाली है। मतलब इस मूवी को अब आप ऑनलाइन Z5 पर देख सकते हैं।
फर्रे एक 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की डकैत थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन सोमेंद्र पाथी ने किया है। इसमें अली जे, अग्निहोत्री के साथ रोनित रॉय, साहिल मेहता, जॉन शॉ, प्रसन्ना बिष्ट, जूही बब्बर और शिल्पा शुक्ला मुख्य भूमिका में हैं। यह 2017 की थाई फिल्म बैड जीनियस का आधिकारिक रीमेक है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो नियति सिंह के रूप में हैं अली जी हैं अग्निहोत्री, इशरत कडा के रूप में रोनित रॉय, आकाश के रूप में हैं साहिल मेहता, जेन शॉ प्रतीक के रूप में हैं, छवि के रूप में प्रसन्ना बिष्ट, छवि के पिता के रूप में हैं अरबाज खान, जोया के रूप में जूही बब्बर, वेदिता मैथ्यू के रूप में शिल्पा शुक्ला, छात्र के रूप में हैं ईशान जैक, हमें इस फिल्म में दिखाई देते हैं। बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत सचिन जिगर द्वारा संगीत रचित है। गीत जिगर सरेया, मेलोडी अभिषेक दुबे, सचिन जिगर और एमसी स्टेन द्वारा लिखे गए हैं। बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज़ के बारे में तो फ्रेंड्स, समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटेन टोमेटोज पर 11 आलोचकों में से 82% समीक्षकाएं सकारात्मक है, जिनकी औसत रेटिंग 5.6 आउट ऑफ 10 है। इसे आलोचकों से मिश्रित से सकारात्मक समीक्षा का मिली, जिसमें अली जी के प्रदर्शन की प्रशंसा की गई। एनडीटीवी के सेबल चटर्जी ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दी और कहा कि अली जी अब तक फिर का सबसे चमकीला बिंदु है, वह एक बड़ी भूमिका निभाते हैं और इसका श्रेय देती है। साहिल मेहता, प्रसन्ना बिष्ट और जेन शॉ अन्य 3 युवा कलाकार हैं। कलाकारों की टुकड़ी में चित्रित करने के लिए कुछ हद तक कम बारीकी भूमिकाएं निभाते हैं, लेकिन फिर भी वे फिल्म को एक स्थिर ऊर्जा देते हैं। इंडिया टुडे के तुषार जोशी युवा सितारों का यह समूह रोमांचकारी मार्कशीट में शीर्ष पर है। द इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से 3 स्टार रेटिंग दी और अग्निहोत्री के प्रदर्शन की प्रशंसा की और कहा, यह अग्निहोत्री है जिनकी बुद्धिमत्ता और महत्वाकांक्षा फेरे के केंद्र में है, कहानी को एक साथ रखती है और अपने चरित्र को प्रसंगीत बनाए रखती है। वह फिल्म के विभिन्न चरणों में नियति के बदलावों को भी चतुराई से चित्रित करती है। हिंदुस्तान टाइम्स के प्रणय पाठक ने कहा कि सलमान खान की भतीजी अली जेहन अग्निहोत्री सोमेंद्र पाथी की नवनीत फीचर फिल्म में एक मजबूत सिनेमाई शुरुआत करती है। द क्विट की प्रतीक्षा मिश्रा 5 में से 3 स्टार रेटिंग देती है और कहा कि अली जो बाकी कलाकारों से अलग है कुछ हद तक, क्योंकि उसका चरित्र सबसे अधिक विकसित है और कुछ हद तक उसके ऑन स्क्रीन व्यक्तित्व के कारण, जो दर्शकों को चरित्र के साथ पहचानने में मदद करता है। बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो फ्रेंड्स, फर्रे की थिएट्रिकल रिलीज 24 नवंबर 2023 को हुई थी। इसे घरेलू स्तर पर 1000 स्क्रीनों पर रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी के होम मीडिया, मतलब जहां पर आप इस फिल्म को ऑनलाइन देख पाएंगे तो फ्रेंड्स, फर्रे 5 अप्रैल 2024 को स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज होने वाली है। मतलब इस मूवी को अब आप ऑनलाइन Zee5 पर देख सकते हैं। फर्रे एक 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की डकैत थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन सोमेंद्र पाथी ने किया है। इसमें अली जे, अग्निहोत्री के साथ रोनित रॉय, साहिल मेहता, जॉन शॉ,
प्रसन्ना बिष्ट, जूही बब्बर और शिल्पा शुक्ला मुख्य भूमिका में हैं। यह 2017 की थाई फिल्म बैड जीनियस का आधिकारिक रीमेक है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो नियति सिंह के रूप में हैं अलीजिह अग्निहोत्री, इशरत कडा के रूप में रोनित रॉय, आकाश के रूप में हैं साहिल मेहता, जैन शॉ प्रतीक के रूप में हैं, छवि के रूप में प्रसन्ना बिष्ट, छवि के पिता के रूप में हैं अरबाज खान, जोया के रूप में जूही बब्बर, वेदिता मैथ्यू के रूप में शिल्पा शुक्ला, छात्र के रूप में हैं ईशान जैक हमें इस फिल्म में दिखाई देते हैं। बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत सचिन जिगर द्वारा संगीत रचित है। गीत जिगर सरैया, मेलोडी अभिषेक दुबे, सचिन जिगर और एमसी स्टेन द्वारा लिखे गए हैं। बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज़ के बारे में तो फ्रेंड्स, समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटेन टोमेटोज पर 11 आलोचकों में से 82% समीक्षकाएं सकारात्मक है, जिनकी औसत रेटिंग 5.6/10 है। इसे आलोचकों से मिश्रित से सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसमें अलीजिह के प्रदर्शन की प्रशंसा की गई। NDTV के सेबल चटर्जी ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दी और कहा है कि अलीजिह अब तक फिर का सबसे चमकीला बिंदु है। वह एक बड़ी भूमिका निभाते हैं और इसका श्रेय देती है। साहिल मेहता, प्रसन्ना बिष्ट और जैन शॉ अन्य 3 युवा कलाकार हैं। कलाकारों की टुकड़ी में चित्रित करने के लिए कुछ हद तक कम बारीकी भूमिकाएं निभाते हैं, लेकिन फिर भी वे फिल्म को एक स्थिर ऊर्जा देते हैं। इंडिया टुडे के तुषार जोशी, युवा सितारों का यह समूह रोमांचकारी मार्कशीट में शीर्ष पर है। द इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से 3 स्टार रेटिंग दी और अग्निहोत्री के प्रदर्शन की प्रशंसा की और कहा, यह अग्निहोत्री है जिनकी बुद्धिमत्ता और महत्वाकांक्षा फेरे के केंद्र में है। कहानी को एक साथ रखती है और अपने चरित्र को प्रसंगीत बनाए रखती है। वह फिल्म के विभिन्न चरणों में नियति के बदलावों को भी चतुराई से चित्रित करती है। हिंदुस्तान टाइम्स के प्रणय पाठक ने कहा कि सलमान खान की भतीजी अलीजिह अग्निहोत्री सोमेंद्र पाती की नवनीत फीचर फिल्म में एक मजबूत सिनेमाई शुरुआत करती है। द क्विट की प्रतीक्षा मिश्रा 5 में से 3 स्टार रेटिंग देती है और कहा कि अलीजिह बाकी कलाकारों से अलग है कुछ हद तक, क्योंकि उसका चरित्र सबसे अधिक विकसित है और कुछ हद तक उसके ऑन स्क्रीन व्यक्तित्व के कारण, जो दर्शकों को चरित्र के साथ पहचानने में मदद करता है। बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो फ्रेंड्स, फर्रे की थिएट्रिकल रिलीज 24 नवंबर 2023 को हुई थी। इसे घरेलू स्तर पर 1000 स्क्रीनों पर रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी के होम मीडिया, मतलब जहां पर आप इस फिल्म को ऑनलाइन देख पाएंगे तो फ्रेंड्स, फरे 5 अप्रैल 2024 को स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज होने वाली है। मतलब इसको आप मूवी इस मूवी को अब आप ऑनलाइन Zee5 पर देख सकते हैं। फरे 1 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की डकैती थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन सोमेंद्र पाथी ने किया है। इसमें अलीजे अग्निहोत्री के साथ रोनित रॉय, साहिल मेहता, जैन शॉ, प्रसन्ना बिष्ट, जूही बब्बर और शिल्पा शुक्ला मुख्य भूमिका में हैं। यह 2017 की थाई फिल्म बैड जीनियस का आधिकारिक रीमेक है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में
तो नियति सिंह के रूप में है, अलीजी है अग्निहोत्री, इशरत कडा के रूप में रोनित रॉय, आकाश के रूप में है साहिल मेहता, जैन शॉ प्रतीक के रूप में है, छवि के रूप में प्रसन्ना बिष्ट, छवि के पिता के रूप में है अरबाज खान, जोया के रूप में जूही बब्बर, वेदिता मैथ्यू के रूप में शिल्पा शुक्ला, छात्र के रूप में है ईशान, जैक हमें इस फिल्म में दिखाई देते हैं। बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत सचिन जिगर द्वारा संगीत रचित है, गीत जिगर सरेया, मेलोडी अभिषेक दुबे, सचिन जिगर और एमसी स्टेन द्वारा लिखे गए हैं। बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में तो फ्रेंड्स, समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटेन टोमेटोज पर 11 आलोचकों में से 82% समीक्षकें सकारात्मक है, जिनकी औसत रेटिंग 5.6 आउट ऑफ 10 है। इसे आलोचकों से मिश्रित से सकारात्मक समीक्षा का मिली, जिसमें अलीजी के प्रदर्शन की प्रशंसा की गई। एनडीटीवी के सेबल चटर्जी ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दी और कहा कि अलीजी अब तक फेर का सबसे चमकीला बिंदु है, वह एक बड़ी भूमिका निभाते हैं और इसका श्रेय देती है। साहिल मेहता, प्रसन्ना बिष्ट और जैन शॉ अन्य 3 युवा कलाकार हैं। कलाकारों की टुकड़ी में चित्रित करने के लिए कुछ हद तक कम बारीकी भूमिकाएं निभाते हैं, लेकिन फिर भी वे फिल्म को एक स्थिर ऊर्जा देते हैं। इंडिया टुडे के तुषार जोशी युवा सितारों का यह समूह रोमांचकारी मार्कशीट में शीर्ष पर है। द इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से 3 स्टार रेटिंग दी और अग्निहोत्री के प्रदर्शन की प्रशंसा की और कहा, यह अग्निहोत्री है जिनकी बुद्धिमत्ता और महत्वाकांक्षा फेरे के केंद्र में है, कहानी को एक साथ रखती है और अपने चरित्र को प्रसंगीत बनाए रखती है। वह फिल्म के विभिन्न चरणों में नियति के बदलावों को भी चतुराई से चित्रित करती है। हिंदुस्तान टाइम्स के प्रणय पाठक ने कहा कि सलमान खान की भतीजी अली जेहन अग्निहोत्री सोमेंद्र पाती की नवनीत फीचर फिल्म में एक मजबूत सिनेमाई शुरुआत करती है। द क्विट की प्रतीक्षा मिश्रा 5 में से 3 स्टार रेटिंग देती है और कहा कि अली जो बाकी कलाकारों से अलग है कुछ हद तक, क्योंकि उसका चरित्र सबसे अधिक विकसित है और कुछ हद तक उसके ऑन स्क्रीन व्यक्तित्व के कारण, जो दर्शकों को चरित्र के साथ पहचानने में मदद करता है। बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो फ्रेंड्स, फर्रे की थिएट्रिकल रिलीज 24 नवंबर 2023 को हुई थी। इसे घरेलू स्तर पर 1000 स्क्रीनों पर रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी के होम मीडिया, मतलब जहां पर आप इस फिल्म को ऑनलाइन देख पाएंगे, तो फ्रेंड्स, फर्रे 5 अप्रैल 2024 को स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज होने वाली है। मतलब इस मूवी को अब आप ऑनलाइन Zee5 पर देख सकते हैं। फर्रे एक 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की लिखित थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन सोमेंद्र पाथी ने किया है। इसमें अलीजे अग्निहोत्री के साथ रोनित रॉय, साहिल मेहता, जैन शॉ, प्रसन्ना बिष्ट, जूही बब्बर और शिल्पा शुक्ला मुख्य भूमिका में हैं। यह 2017 की थाई फिल्म बैड जीनियस का आधिकारिक रीमेक है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो नियति सिंह के रूप में है अलीजी है अग्निहोत्री, इशरत कडा के रूप में रोनित रॉय, आकाश के रूप में है साहिल मेहता, जैन शॉ प्रतीक के रूप में है
छवि के रूप में प्रसन्ना बिष्ट, छवि के पिता के रूप में है अरबाज खान, जोयान के रूप में जूही बब्बर, वेदिता मैथ्यू के रूप में शिल्पा शुक्ला, छात्र के रूप में है ईशान जैक, हमें इस फिल्म में दिखाई देते हैं। बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत सचिन जिगर द्वारा संगीत रचित है, गीत जिगर सरैया, मेलोडी अभिषेक दुबे, सचिन जिगर और एमसी स्टेन द्वारा लिखे गए हैं। बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में तो फ्रेंड्स, समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटेन टोमेटोज पर 11 आलोचकों में से 82% समीक्षकाएं सकारात्मक है, जिनकी औसत रेटिंग 5.6/10 है। इसे आलोचकों से मिश्रित से सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसमें अलीजह के प्रदर्शन की प्रशंसा की गई। NDTV के सेबल चटर्जी ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दी और कहा है कि अलीजह अब तक फिर का सबसे चमकीला बिंदु है, वह एक बड़ी भूमिका निभाते हैं और इसका श्रेय देती है। साहिल मेहता, प्रसन्ना बिष्ट और जैन शॉ अन्य 3 युवा कलाकार हैं। कलाकारों की टुकड़ी में चित्रित करने के लिए कुछ हद तक कम बारीकी भूमिकाएं निभाते हैं, लेकिन फिर भी वे फिल्म को एक स्थिर ऊर्जा देते हैं। इंडिया टुडे के तुषार जोशी, युवा सितारों का यह समूह रोमांचकारी मार्कशीट में शीर्ष पर है। द इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से 3 स्टार रेटिंग दी और अग्निहोत्री के प्रदर्शन की प्रशंसा की और कहा, यह अग्निहोत्री है जिनकी बुद्धिमत्ता और महत्वाकांक्षा फेरे के केंद्र में है, कहानी को एक साथ रखती है और अपने चरित्र को प्रसंगीत बनाए रखती है। वह फिल्म के विभिन्न चरणों में नियति के बदलावों को भी चतुराई से चित्रित करती है। हिंदुस्तान टाइम्स के प्रणय पाठक ने कहा कि सलमान खान की भतीजी अली जेहन अग्निहोत्री सोमेंद्र पाती की नवनीत फीचर फिल्म में एक मजबूत सिनेमाई शुरुआत करती है। द क्विट की प्रतीक्षा मिश्रा 5 में से 3 स्टार रेटिंग देती है और कहा कि अली जो बाकी कलाकारों से अलग है कुछ हद तक, क्योंकि उसका चरित्र सबसे अधिक विकसित है और कुछ हद तक उसके ऑन स्क्रीन व्यक्तित्व के कारण, जो दर्शकों को चरित्र के साथ पहचानने में मदद करता है। बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो फ्रेंड्स, फर्रे की थिएट्रिकल रिलीज 24 नवंबर 2023 को हुई थी। इसे घरेलू स्तर पर 1000 स्क्रीनों पर रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी के होम मीडिया, मतलब जहां पर आप इस फिल्म को ऑनलाइन देख पाएंगे तो फ्रेंड्स, फर्रे 5 अप्रैल 2024 को स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज होने वाली है। मतलब इस मूवी को अब आप ऑनलाइन Zee5 पर देख सकते हैं। फर्रे 1 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की डकैती थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन सोमेंद्र पाथी ने किया है। इसमें अलीजे अग्निहोत्री के साथ रोनित रॉय, साहिल मेहता, जैन शॉ, प्रसन्ना बिष्ट, जूही बब्बर और शिल्पा शुक्ला मुख्य भूमिका में हैं। यह 2017 की थाई फिल्म बैड जीनियस का आधिकारिक रीमेक है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो नियति सिंह के रूप में है अलीजह अग्निहोत्री, इशरत कडा के रूप में रोनित रॉय, आकाश के रूप में है साहिल मेहता, जैन शॉ प्रतीक के रूप में है, छवि के रूप में प्रसन्ना बिष्ट, छवि के पिता के रूप में है अरबाज खान, जोयान के रूप में जूही बब्बर, वेदिता मैथ्यू के रूप में शिल्पा शुक्ला,
छात्र के रूप में हैं ईशान जैक हमें इस फिल्म में दिखाई देते हैं। बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत सचिन जिगर द्वारा संगीत रचित है। गीत जिगर सरेया, मेलोडी अभिषेक दुबे, सचिन जिगर और एमसी स्टेन द्वारा लिखे गए हैं। बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज़ के बारे में तो फ्रेंड्स समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटेन टोमेटोज पर 11 आलोचकों में से 82% समीक्षकें सकारात्मक हैं, जिनकी औसत रेटिंग 5.6 आउट ऑफ 10 है। इसे आलोचकों से मिश्रित से सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसमें अली जियो के प्रदर्शन की प्रशंसा की गई। एनडीटीवी के सेबल चटर्जी ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दी और कहा कि अली जियो अब तक फिर का सबसे चमकीला बिंदु है। वह एक बड़ी भूमिका निभाते हैं और इसका श्रेय देती है। साहिल मेहता, प्रसन्ना बिष्ट और जेन शॉ अन्य 3 युवा कलाकार हैं। कलाकारों की टुकड़ी में चित्रित करने के लिए कुछ हद तक कम बारीकी भूमिकाएं निभाते हैं, लेकिन फिर भी वे फिल्म को एक स्थिर ऊर्जा देते हैं। इंडिया टुडे के तुषार जोशी युवा सितारों का यह समूह रोमांचकारी मार्कशीट में शीर्ष पर है। द इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से 3 स्टार रेटिंग दी और अग्निहोत्री के प्रदर्शन की प्रशंसा की और कहा यह अग्निहोत्री है जिनकी बुद्धिमत्ता और महत्वाकांक्षा फेरे के केंद्र में है। कहानी को एक साथ रखती है और अपने चरित्र को प्रसंगीत बनाए रखती है। वह फिल्म के विभिन्न चरणों में नियति के बदलावों को भी चतुराई से चित्रित करती है। हिंदुस्तान टाइम्स के प्रणय पाठक ने कहा कि सलमान खान की भतीजी अली जेहन अग्निहोत्री सोमेंद्र पाती की नवनीत फीचर फिल्म में एक मजबूत सिनेमाई शुरुआत करती है। द क्विट की प्रतीक्षा मिश्रा 5 में से 3 स्टार रेटिंग देती है और कहा कि अली जो बाकी कलाकारों से अलग है कुछ हद तक, क्योंकि उसका चरित्र सबसे अधिक विकसित है और कुछ हद तक उसके ऑन स्क्रीन व्यक्तित्व के कारण, जो दर्शकों को चरित्र के साथ पहचानने में मदद करता है। बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो फ्रेंड्स फर्रे की थिएट्रिकल रिलीज 24 नवंबर 2023 को हुई थी। इसे घरेलू स्तर पर 1000 स्क्रीनों पर रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब जहां पर आप इस फिल्म को ऑनलाइन देख पाएंगे तो फ्रेंड्स फर्रे 5 अप्रैल 2024 को स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज होने वाली है। मतलब इस मूवी को अब आप ऑनलाइन Zee5 पर देख सकते हैं। फर्रे एक 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की डकैत थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन सोमेंद्र पाथी ने किया है। इसमें अली जे अग्निहोत्री के साथ रोनित रॉय, साहिल मेहता, जैन शॉ, प्रसन्ना बिष्ट, जूही बब्बर और शिल्पा शुक्ला मुख्य भूमिका में हैं। यह 2017 की थाई फिल्म बैड जीनियस का आधिकारिक रीमेक है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो नियति सिंह के रूप में है अली जी अग्निहोत्री, इशरत कडा के रूप में रोनित रॉय, आकाश के रूप में है साहिल मेहता, जैन शॉ प्रतीक के रूप में है, छवि के रूप में प्रसन्ना बिष्ट, छवि के पिता के रूप में है अरबाज खान, जोया के रूप में जूही बब्बर, वेदिता मैथ्यू के रूप में शिल्पा शुक्ला, छात्र के रूप में है ईशान जैक हमें इस फिल्म में दिखाई देते हैं। बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत सचिन जिगर द्वारा संगीत रचित है।
गीत जिगर सरैया, मेलोडी अभिषेक दुबे, सचिन जिगर और एमसी स्टेन द्वारा लिखे गए हैं। बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज़ के बारे में तो फ्रेंड्स, समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटेन टोमेटोज पर 11 आलोचकों में से 82% समीक्षकाएं सकारात्मक है, जिनकी औसत रेटिंग 5.6/10 है। इसे आलोचकों से मिश्रित से सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसमें अलीजह के प्रदर्शन की प्रशंसा की गई। एनडीटीवी के सेबल चटर्जी ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दी और कहा है कि अलीजह अब तक फेर का सबसे चमकीला बिंदु है, वह एक बड़ी भूमिका निभाते हैं और इसका श्रेय देती है। साहिल मेहता, प्रसन्ना बिष्ट और जैन शॉ अन्य 3 युवा कलाकार हैं। कलाकारों की टुकड़ी में चित्रित करने के लिए कुछ हद तक कम बारीकी भूमिकाएं निभाते हैं, लेकिन फिर भी वे फिल्म को एक स्थिर ऊर्जा देते हैं। इंडिया टुडे के तुषार जोशी, युवा सितारों का यह समूह रोमांचकारी मार्कशीट में शीर्ष पर है। द इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से 3 स्टार रेटिंग दी और अग्निहोत्री के प्रदर्शन की प्रशंसा की और कहा, यह अग्निहोत्री है जिनकी बुद्धिमत्ता और महत्वाकांक्षा फेरे के केंद्र में है, कहानी को एक साथ रखती है और अपने चरित्र को प्रसंगीत बनाए रखती है। वह फिल्म के विभिन्न चरणों में नियति के बदलावों को भी चतुराई से चित्रित करती है। हिंदुस्तान टाइम्स के प्रणय पाठक ने कहा कि सलमान खान की भतीजी अली जेहन अग्निहोत्री सोमेंद्र पाती की नवनीत फीचर फिल्म में एक मजबूत सिनेमाई शुरुआत करती है। द क्विट की प्रतीक्षा मिश्रा 5 में से 3 स्टार रेटिंग देती है और कहा कि अली जो बाकी कलाकारों से अलग है कुछ हद तक, क्योंकि उसका चरित्र सबसे अधिक विकसित है और कुछ हद तक उसके ऑन स्क्रीन व्यक्तित्व के कारण, जो दर्शकों को चरित्र के साथ पहचानने में मदद करता है। बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो फ्रेंड्स, फर्रे की थिएट्रिकल रिलीज 24 नवंबर 2023 को हुई थी। इसे घरेलू स्तर पर 1000 स्क्रीनों पर रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी के होम मीडिया, मतलब जहां पर आप इस फिल्म को ऑनलाइन देख पाएंगे, तो फ्रेंड्स, फर्रे 5 अप्रैल 2024 को स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज होने वाली है। मतलब इस मूवी को अब आप ऑनलाइन Zee5 पर देख सकते हैं। फर्रे 1 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की डकैती थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन सोमेंद्र पाथी ने किया है। इसमें अलीजे अग्निहोत्री के साथ रोनित रॉय, साहिल मेहता, जैन शॉ, प्रसन्ना बिष्ट, जूही बब्बर और शिल्पा शुक्ला मुख्य भूमिका में हैं। यह 2017 की थाई फिल्म बैड जीनियस का आधिकारिक रीमेक है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो नियति सिंह के रूप में हैं अलीजे अग्निहोत्री, इशरत कडा के रूप में रोनित रॉय, आकाश के रूप में हैं साहिल मेहता, जैन शॉ प्रतीक के रूप में हैं, छवि के रूप में प्रसन्ना बिष्ट, छवि के पिता के रूप में हैं अरबाज खान, जोया के रूप में जूही बब्बर, वेदिता मैथ्यू के रूप में शिल्पा शुक्ला, छात्र के रूप में हैं ईशान जैक, हमें इस फिल्म में दिखाई देते हैं। बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत सचिन जिगर द्वारा संगीत रचित है। गीत जिगर सरैया, मेलोडी अभिषेक दुबे, सचिन जिगर और एमसी स्टेन द्वारा लिखे गए हैं। बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में तो फ्रेंड्स,
समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटेन टोमेटोज पर 11 आलोचकों में से 82% समीक्षकाएं सकारात्मक है, जिनकी औसत रेटिंग 5.6 आउट ऑफ 10 है। इसे आलोचकों से मिश्रित से सकारात्मक समीक्षा का मिली, जिसमें अलीजियो के प्रदर्शन की प्रशंसा की गई। एनडीटीवी के सेबल चटर्जी ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दी और कहा कि अलीजियो अब तक फेर का सबसे चमकीला बिंदु है, वह एक बड़ी भूमिका निभाते हैं और इसका श्रेय देती है। साहिल मेहता, प्रसन्ना बिष्ट और जैन शॉ अन्य 3 युवा कलाकार हैं। कलाकारों की टुकड़ी में चित्रित करने के लिए कुछ हद तक कम बारीकी भूमिकाएं निभाते हैं, लेकिन फिर भी वे फिल्म को एक स्थिर ऊर्जा देते हैं। इंडिया टुडे के तुषार जोशी, युवा सितारों का यह समूह रोमांचकारी मार्कशीट में शीर्ष पर है। द इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से 3 स्टार रेटिंग दी और अग्निहोत्री के प्रदर्शन की प्रशंसा की और कहा, यह अग्निहोत्री है जिनकी बुद्धिमत्ता और महत्वाकांक्षा फेरे के केंद्र में है, कहानी को एक साथ रखती है और अपने चरित्र को प्रसंगीत बनाए रखती है। वह फिल्म के विभिन्न चरणों में नियति के बदलावों को भी चतुराई से चित्रित करती है। हिंदुस्तान टाइम्स के प्रणय पाठक ने कहा कि सलमान खान की भतीजी अली जेहन अग्निहोत्री सोमेंद्र पाथी की नवनीत फीचर फिल्म में एक मजबूत सिनेमाई शुरुआत करती है। द क्विट की प्रतीक्षा मिश्रा 5 में से 3 स्टार रेटिंग देती है और कहा कि अली जो बाकी कलाकारों से अलग है कुछ हद तक, क्योंकि उसका चरित्र सबसे अधिक विकसित है और कुछ हद तक उसके ऑन स्क्रीन व्यक्तित्व के कारण, जो दर्शकों को चरित्र के साथ पहचानने में मदद करता है। बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में, तो फ्रेंड्स फर्रे की थिएट्रिकल रिलीज 24 नवंबर 2023 को हुई थी। इसे घरेलू स्तर पर 1000 स्क्रीनों पर रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी के होम मीडिया, मतलब जहां पर आप इस फिल्म को ऑनलाइन देख पाएंगे, तो फ्रेंड्स फर्रे 5 अप्रैल 2024 को स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज होने वाली है। मतलब इस मूवी को अब आप ऑनलाइन Zee5 पर देख सकते हैं। फर्रे एक 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की डकैत थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन सोमेंद्र पाथी ने किया है। इसमें अलीजे अग्निहोत्री के साथ रोनित रॉय, साहिल मेहता, जैन शॉ, प्रसन्ना बिष्ट, जूही बब्बर और शिल्पा शुक्ला मुख्य भूमिका में हैं। यह 2017 की थाई फिल्म बैड जीनियस का आधिकारिक रीमेक है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो नियति सिंह के रूप में है अलीजे अग्निहोत्री, इशरत कडा के रूप में रोनित रॉय, आकाश के रूप में है साहिल मेहता, जैन शॉ प्रतीक के रूप में है, छवि के रूप में प्रसन्ना बिष्ट, छवि के पिता के रूप में है अरबाज खान, जोया के रूप में जूही बब्बर, वेदिता मैथ्यू के रूप में शिल्पा शुक्ला, छात्र के रूप में है ईशान जैक हमें इस फिल्म में दिखाई देते हैं। बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में, तो फिल्म का संगीत सचिन जिगर द्वारा संगीत रचित है। गीत जिगर सरेया, मेलोडी अभिषेक दुबे, सचिन जिगर और MC स्टेन द्वारा लिखे गए हैं। बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में, तो फ्रेंड्स समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटेन टोमेटोज पर 11 आलोचकों में से 82% समीक्षकाएं सकारात्मक है, जिनकी औसत रेटिंग 5.6 आउट ऑफ 10 है।
इसे आलोचकों से मिश्रित से सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसमें अली जिया के प्रदर्शन की प्रशंसा की गई। एनडीटीवी के सेबल चटर्जी ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दी और कहा है कि अली जिया अब तक फिर का सबसे चमकीला बिंदु है, वह एक बड़ी भूमिका निभाते हैं और इसका श्रेय देती है। साहिल मेहता, प्रसन्ना बिष्ट और जैन शॉ अन्य 3 युवा कलाकार हैं। कलाकारों की टुकड़ी में चित्रित करने के लिए कुछ हद तक कम बारीकी भूमिकाएं निभाते हैं, लेकिन फिर भी वे फिल्म को एक स्थिर ऊर्जा देते हैं। इंडिया टुडे के तुषार जोशी, युवा सितारों का यह समूह रोमांचकारी मार्कशीट में शीर्ष पर है। द इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से 3 स्टार रेटिंग दी और अग्निहोत्री के प्रदर्शन की प्रशंसा की और कहा, यह अग्निहोत्री है जिनकी बुद्धिमत्ता और महत्वाकांक्षा फेरे के केंद्र में है, कहानी को एक साथ रखती है और अपने चरित्र को प्रसंगीत बनाए रखती है। वह फिल्म के विभिन्न चरणों में नियति के बदलावों को भी चतुराई से चित्रित करती है। हिंदुस्तान टाइम्स के प्रणय पाठक ने कहा कि सलमान खान की भतीजी अली जेहन अग्निहोत्री सोमेंद्र पाती की नवनीत फीचर फिल्म में एक मजबूत सिनेमाई शुरुआत करती है। द क्विट की प्रतीक्षा मिश्रा 5 में से 3 स्टार रेटिंग देती है और कहा कि अली जेहन बाकी कलाकारों से अलग है कुछ हद तक, क्योंकि उसका चरित्र सबसे अधिक विकसित है और कुछ हद तक उसके ऑन स्क्रीन व्यक्तित्व के कारण, जो दर्शकों को चरित्र के साथ पहचानने में मदद करता है। बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में, तो फ्रेंड्स फर्रे की थिएट्रिकल रिलीज 24 नवंबर 2023 को हुई थी। इसे घरेलू स्तर पर 1000 स्क्रीनों पर रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी के होम मीडिया, मतलब जहां पर आप इस फिल्म को ऑनलाइन देख पाएंगे, तो फ्रेंड्स फरे 5 अप्रैल 2024 को स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज होने वाली है। मतलब इसको आप मूवी इस मूवी को अब आप ऑनलाइन Zee5 पर देख सकते हैं। फरे 1 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की डकैती थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन सोमेंद्र पाथी ने किया है। इसमें अली जे अग्निहोत्री के साथ रोनित रॉय, साहिल मेहता, जैन शॉ, प्रसन्ना बिष्ट, जूही बब्बर और शिल्पा शुक्ला मुख्य भूमिका में हैं। यह 2017 की थाई फिल्म बैड जीनियस का आधिकारिक रीमेक है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो नियति सिंह के रूप में हैं अली जे अग्निहोत्री, इशरत कडा के रूप में रोनित रॉय, आकाश के रूप में हैं साहिल मेहता, जैन शॉ प्रतीक के रूप में हैं, छवि के रूप में प्रसन्ना बिष्ट, छवि के पिता के रूप में हैं अरबाज खान, जोया के रूप में जूही बब्बर, वेदिता मैथ्यू के रूप में शिल्पा शुक्ला, छात्र के रूप में हैं ईशान जैक, हमें इस फिल्म में दिखाई देते हैं। बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में, तो फिल्म का संगीत सचिन जिगर द्वारा संगीत रचित है। गीत जिगर सरेया, मेलोडी अभिषेक दुबे, सचिन जिगर और एमसी स्टेन द्वारा लिखे गए हैं। बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में, तो फ्रेंड्स समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटेन टोमेटोज पर 11 आलोचकों में से 82% समीक्षकाएं सकारात्मक है, जिनकी औसत रेटिंग 5.6 out of 10 है। इसे आलोचकों से मिश्रित से सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसमें अली जे के प्रदर्शन की प्रशंसा की गई। एनडीटीवी के
सेबल चटर्जी ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दी और कहा कि अलीजे अब तक फिर का सबसे चमकीला बिंदु है, वह एक बड़ी भूमिका निभाते हैं और इसका श्रेय देती है। साहिल मेहता, प्रसन्ना बिष्ट और जैन शॉ अन्य 3 युवा कलाकार हैं। कलाकारों की टुकड़ी में चित्रित करने के लिए कुछ हद तक कम बारीकी भूमिकाएं निभाते हैं, लेकिन फिर भी वे फिल्म को एक स्थिर ऊर्जा देते हैं। इंडिया टुडे के तुषार जोशी युवा सितारों का यह समूह रोमांचकारी मार्कशीट में शीर्ष पर है। द इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से 3 स्टार रेटिंग दी और अग्निहोत्री के प्रदर्शन की प्रशंसा की और कहा, यह अग्निहोत्री है जिनकी बुद्धिमत्ता और महत्वाकांक्षा फेरे के केंद्र में है, कहानी को एक साथ रखती है और अपने चरित्र को प्रसंगीत बनाए रखती है। वह फिल्म के विभिन्न चरणों में नियति के बदलावों को भी चतुराई से चित्रित करती है। हिंदुस्तान टाइम्स के प्रणय पाठक ने कहा कि सलमान खान की भतीजी अली जेहन अग्निहोत्री सोमेंद्र पाती की नवनीत फीचर फिल्म में एक मजबूत सिनेमाई शुरुआत करती है। द क्विट की प्रतीक्षा मिश्रा 5 में से 3 स्टार रेटिंग देती है और कहा कि अली जो बाकी कलाकारों से अलग है कुछ हद तक, क्योंकि उसका चरित्र सबसे अधिक विकसित है और कुछ हद तक उसके ऑन स्क्रीन व्यक्तित्व के कारण जो दर्शकों को चरित्र के साथ पहचानने में मदद करता है। बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो फ्रेंड्स, फर्रे की थिएट्रिकल रिलीज 24 नवंबर 2023 को हुई थी। इसे घरेलू स्तर पर 1000 स्क्रीनों पर रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब जहां पर आप इस फिल्म को ऑनलाइन देख पाएंगे तो फ्रेंड्स, फर्रे 5 अप्रैल 2024 को स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज होने वाली है। मतलब इस मूवी को अब आप ऑनलाइन Zee5 पर देख सकते हैं। फर्रे एक 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की डकैती थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन सोमेंद्र पाथी ने किया है। इसमें अलीजे अग्निहोत्री के साथ रोनित रॉय, साहिल मेहता, जैन शॉ, प्रसन्ना बिष्ट, जूही बब्बर और शिल्पा शुक्ला मुख्य भूमिका में हैं। यह 2017 की थाई फिल्म बैड जीनियस का आधिकारिक रीमेक है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो नियति सिंह के रूप में है अलीजे अग्निहोत्री, इशरत कडा के रूप में रोनित रॉय, आकाश के रूप में है साहिल मेहता, जैन शॉ प्रतीक के रूप में है, छवि के रूप में प्रसन्ना बिष्ट, छवि के पिता के रूप में है अरबाज खान, जोया के रूप में जूही बब्बर, वेदिता मैथ्यू के रूप में शिल्पा शुक्ला, छात्र के रूप में है ईशान जैक हमें इस फिल्म में दिखाई देते हैं। बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत सचिन जिगर द्वारा संगीत रचित है। गीत जिगर सरेया, मेलोडी अभिषेक दुबे, सचिन जिगर और एमसी स्टेन द्वारा लिखे गए हैं। बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में तो फ्रेंड्स, समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटेन टोमेटोज पर 11 आलोचकों में से 82% समीक्षकाएं सकारात्मक है जिनकी औसत रेटिंग 5.6/10 है। इसे आलोचकों से मिश्रित से सकारात्मक समीक्षा मिली जिसमें अलीजे के प्रदर्शन की प्रशंसा की गई। NDTV के सेबल चटर्जी ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दी और कहा कि अलीजे अब तक फिर का सबसे चमकीला बिंदु है, वह एक बड़ी
भूमिका निभाते हैं और इसका श्रेय देती है। साहिल मेहता, प्रसन्ना बिष्ट और जैन शॉ अन्य तीन युवा कलाकार हैं। कलाकारों की टुकड़ी में चित्रित करने के लिए कुछ हद तक कम बारीकी भूमिकाएं निभाते हैं, लेकिन फिर भी वे फिल्म को एक स्थिर ऊर्जा देते हैं। इंडिया टुडे के तुषार जोशी युवा सितारों का यह समूह रोमांचकारी मार्कशीट में शीर्ष पर है। द इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से 3 स्टार रेटिंग दी और अग्निहोत्री के प्रदर्शन की प्रशंसा की और कहा, यह अग्निहोत्री है जिनकी बुद्धिमत्ता और महत्वाकांक्षा फेरे के केंद्र में है, कहानी को एक साथ रखती है और अपने चरित्र को प्रसंगीत बनाए रखती है। वह फिल्म के विभिन्न चरणों में नियति के बदलावों को भी चतुराई से चित्रित करती है। हिंदुस्तान टाइम्स के प्रणय पाठक ने कहा कि सलमान खान की भतीजी अली जेहन अग्निहोत्री सोमेंद्र पाती की नवनीत फीचर फिल्म में एक मजबूत सिनेमाई शुरुआत करती है। द क्विट की प्रतीक्षा मिश्रा 5 में से 3 स्टार रेटिंग देती है और कहा कि अली जो बाकी कलाकारों से अलग है कुछ हद तक, क्योंकि उसका चरित्र सबसे अधिक विकसित है और कुछ हद तक उसके ऑन स्क्रीन व्यक्तित्व के कारण जो दर्शकों को चरित्र के साथ पहचानने में मदद करता है। बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो फ्रेंड्स, फर्रे की थिएट्रिकल रिलीज 24 नवंबर 2023 को हुई थी। इसे घरेलू स्तर पर 1000 स्क्रीनों पर रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब जहां पर आप इस फिल्म को ऑनलाइन देख पाएंगे तो फ्रेंड्स, फर्रे 5 अप्रैल 2024 को स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज होने वाली है। मतलब इस मूवी को अब आप ऑनलाइन Zee5 पर देख सकते हैं। फर्रे एक 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की डकैती थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन सोमेंद्र पाथी ने किया है। इसमें अली जे अग्निहोत्री के साथ रोनित रॉय, साहिल मेहता, जैन शॉ, प्रसन्ना बिष्ट, जूही बब्बर और शिल्पा शुक्ला मुख्य भूमिका में हैं। यह 2017 की थाई फिल्म बैड जीनियस का आधिकारिक रीमेक है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो नियति सिंह के रूप में हैं अली जी हैं अग्निहोत्री, इशरत कडा के रूप में रोनित रॉय, आकाश के रूप में हैं साहिल मेहता, जैन शॉ प्रतीक के रूप में हैं, छवि के रूप में प्रसन्ना बिष्ट, छवि के पिता के रूप में हैं अरबाज खान, जोया के रूप में जूही बब्बर, वेदिता मैथ्यू के रूप में शिल्पा शुक्ला, छात्र के रूप में हैं ईशान जैक हमें इस फिल्म में दिखाई देते हैं। बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत सचिन जिगर द्वारा संगीत रचित है। गीत जिगर सरेया, मेलोडी अभिषेक दुबे, सचिन जिगर और MC स्टेन द्वारा लिखे गए हैं। बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में तो फ्रेंड्स, समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटेन टोमेटोज पर 11 आलोचकों में से 82% समीक्षकाएं सकारात्मक है जिनकी औसत रेटिंग 5.6 out of 10 है। इसे आलोचकों से मिश्रित से सकारात्मक समीक्षा का मिली जिसमें अली जी के प्रदर्शन की प्रशंसा की गई। NDTV के सेबल चटर्जी ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दी और कहा कि अली जी अब तक फिर का सबसे चमकीला बिंदु है। वह एक बड़ी भूमिका निभाते हैं और इसका श्रेय देती है। साहिल मेहता, प्रसन्ना बिष्ट और जैन शॉ अन्य तीन युवा कलाकार हैं। कलाकारों की टुकड़ी में
चित्रित करने के लिए कुछ हद तक कम बारीकी भूमिकाएं निभाते हैं, लेकिन फिर भी वे फिल्म को एक स्थिर ऊर्जा देते हैं। इंडिया टुडे के तुषार जोशी युवा सितारों का यह समूह रोमांचकारी मार्कशीट में शीर्ष पर है। द इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से 3 स्टार रेटिंग दी और अग्निहोत्री के प्रदर्शन की प्रशंसा की और कहा, यह अग्निहोत्री है जिनकी बुद्धिमत्ता और महत्वाकांक्षा फेरे के केंद्र में है, कहानी को एक साथ रखती है और अपने चरित्र को प्रसंगीत बनाए रखती है। वह फिल्म के विभिन्न चरणों में नियति के बदलावों को भी चतुराई से चित्रित करती है। हिंदुस्तान टाइम्स के प्रणय पाठक ने कहा कि सलमान खान की भतीजी अली जेहन अग्निहोत्री सोमेंद्र पाती की नवनीत फीचर फिल्म में एक मजबूत सिनेमाई शुरुआत करती है। द क्विट की प्रतीक्षा मिश्रा 5 में से 3 स्टार रेटिंग देती है और कहा कि अली जो बाकी कलाकारों से अलग है कुछ हद तक क्योंकि उसका चरित्र सबसे अधिक विकसित है और कुछ हद तक उसके ऑन स्क्रीन व्यक्तित्व के कारण जो दर्शकों को चरित्र के साथ पहचानने में मदद करता है। बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो फ्रेंड्स फर्रे की थिएट्रिकल रिलीज 24 नवंबर 2023 को हुई थी। इसे घरेलू स्तर पर 1000 स्क्रीनों पर रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब जहां पर आप इस फिल्म को ऑनलाइन देख पाएंगे तो फ्रेंड्स फर्रे 5 अप्रैल 2024 को स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज होने वाली है। मतलब इस मूवी को अब आप ऑनलाइन Zee5 पर देख सकते हैं। फर्रे एक 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की डकैत थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन सोमेंद्र पाथी ने किया है। इसमें अली जे अग्निहोत्री के साथ रोनित रॉय साहिल मेहता जैन शॉ प्रसन्ना बिष्ट जूही बब्बर और शिल्पा शुक्ला मुख्य भूमिका में हैं। यह 2017 की थाई फिल्म बैड जीनियस का आधिकारिक रीमेक है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो नियति सिंह के रूप में है अली जी हैं अग्निहोत्री, इशरत कडा के रूप में रोनित रॉय, आकाश के रूप में है साहिल मेहता, जैन शॉ प्रतीक के रूप में है, छवि के रूप में प्रसन्ना बिष्ट, छवि के पिता के रूप में है अरबाज खान, जोया के रूप में जूही बब्बर, वेदिता मैथ्यू के रूप में शिल्पा शुक्ला, छात्र के रूप में है ईशान जैक हमें इस फिल्म में दिखाई देते हैं। बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत सचिन जिगर द्वारा संगीत रचित है। गीत जिगर सरेया, मेलोडी अभिषेक दुबे सचिन जिगर और MC स्टेन द्वारा लिखे गए हैं। बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में तो फ्रेंड्स समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटेन टोमेटोज पर 11 आलोचकों में से 82% समीक्षकाएं सकारात्मक है जिनकी औसत रेटिंग 5.6/10 है। इसे आलोचकों से मिश्रित से सकारात्मक समीक्षा मिली जिसमें अली जेह के प्रदर्शन की प्रशंसा की गई। NDTV के सेबल चटर्जी ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दी और कहा कि अली जेह अब तक फिर का सबसे चमकीला बिंदु है, वह एक बड़ी भूमिका निभाते हैं और इसका श्रेय देती है। साहिल मेहता प्रसन्ना बिष्ट और जैन शॉ अन्य 3 युवा कलाकार हैं। कलाकारों की टुकड़ी में चित्रित करने के लिए कुछ हद तक कम बारीकी भूमिकाएं निभाते हैं, लेकिन फिर भी वे फिल्म को एक स्थिर ऊर्जा देते हैं।
इंडिया टुडे के तुषार जोशी। युवा सितारों का यह समूह रोमांचकारी मार्कशीट में शीर्ष पर है। द इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से 3 स्टार रेटिंग दी और अग्निहोत्री के प्रदर्शन की प्रशंसा की और कहा, यह अग्निहोत्री है जिनकी बुद्धिमत्ता और महत्वाकांक्षा फेरे के केंद्र में है, कहानी को एक साथ रखती है और अपने चरित्र को प्रसंगीत बनाए रखती है। वह फिल्म के विभिन्न चरणों में नियति के बदलावों को भी चतुराई से चित्रित करती है। हिंदुस्तान टाइम्स के प्रणय पाठक ने कहा कि सलमान खान की भतीजी अली जेहन अग्निहोत्री सोमेंद्र पाती की नवनीत फीचर फिल्म में एक मजबूत सिनेमाई शुरुआत करती है। द क्विट की प्रतीक्षा मिश्रा 5 में से 3 स्टार रेटिंग देती है और कहा कि अली जो बाकी कलाकारों से अलग है कुछ हद तक, क्योंकि उसका चरित्र सबसे अधिक विकसित है और कुछ हद तक उसके ऑन स्क्रीन व्यक्तित्व के कारण जो दर्शकों को चरित्र के साथ पहचानने में मदद करता है। बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो फ्रेंड्स, फर्रे की थिएट्रिकल रिलीज 24 नवंबर 2023 को हुई थी। इसे घरेलू स्तर पर 1000 स्क्रीनों पर रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब जहां पर आप इस फिल्म को ऑनलाइन देख पाएंगे तो फ्रेंड्स, फर्रे 5 अप्रैल 2024 को स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज होने वाली है। मतलब इस मूवी को अब आप ऑनलाइन Zee5 पर देख सकते हैं। फर्रे एक 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की डकैती थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन सोमेंद्र पाथी ने किया है। इसमें अली जे अग्निहोत्री के साथ रोनित रॉय, साहिल मेहता, जन शॉ, प्रसन्ना बिष्ट, जूही बब्बर और शिल्पा शुक्ला मुख्य भूमिका में हैं। यह 2017 की थाई फिल्म बैड जीनियस का आधिकारिक रीमेक है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो नियति सिंह के रूप में हैं अली जी हैं अग्निहोत्री, इशरत कडा के रूप में रोनित रॉय, आकाश के रूप में हैं साहिल मेहता, जेन शॉ प्रतीक के रूप में हैं, छवि के रूप में प्रसन्ना बिष्ट, छवि के पिता के रूप में हैं अरबाज खान, जोया के रूप में जूही बब्बर, वेदिता मैथ्यू के रूप में शिल्पा शुक्ला, छात्र के रूप में हैं ईशान जैक हमें इस फिल्म में दिखाई देते हैं। बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत सचिन जिगर द्वारा संगीत रचित है। गीत जिगर सरेया, मेलोडी अभिषेक दुबे, सचिन जिगर और एमसी स्टेन द्वारा लिखे गए हैं। बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में तो फ्रेंड्स, समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटेन टोमेटोज पर 11 आलोचकों में से 82% समीक्षकाएं सकारात्मक है जिनकी औसत रेटिंग 5.6 आउट ऑफ 10 है। इसे आलोचकों से मिश्रित से सकारात्मक समीक्षा का मिली जिसमें अली जी के प्रदर्शन की प्रशंसा की गई। NDTV के सेबल चटर्जी ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दी और कहा कि अली जी अब तक फिर का सबसे चमकीला बिंदु है। वह एक बड़ी भूमिका निभाते हैं और इसका श्रेय देती है। साहिल मेहता, प्रसन्ना बिष्ट और जेन शॉ अन्य 3 युवा कलाकार हैं। कलाकारों की टुकड़ी में चित्रित करने के लिए कुछ हद तक कम बारीकी भूमिकाएं निभाते हैं, लेकिन फिर भी वे फिल्म को एक स्थिर ऊर्जा देते हैं। इंडिया टुडे के तुषार जोशी, युवा सितारों का यह समूह रोमांचकारी मार्कशीट में शीर्ष पर है। द इंडियन एक्सप्रेस ने
5 में से 3 स्टार रेटिंग दी और अग्निहोत्री के प्रदर्शन की प्रशंसा की और कहा, यह अग्निहोत्री है जिनकी बुद्धिमत्ता और महत्वाकांक्षा फेरे के केंद्र में है, कहानी को एक साथ रखती है और अपने चरित्र को प्रसंगीत बनाए रखती है। वह फिल्म के विभिन्न चरणों में नियति के बदलावों को भी चतुराई से चित्रित करती है। हिंदुस्तान टाइम्स के प्रणय पाठक ने कहा कि सलमान खान की भतीजी अली जेहन अग्निहोत्री सोमेंद्र पाथी की नवनीत फीचर फिल्म में एक मजबूत सिनेमाई शुरुआत करती है। द क्विट की प्रतीक्षा मिश्रा 5 में से 3 स्टार रेटिंग देती है और कहा कि अली जो बाकी कलाकारों से अलग है कुछ हद तक, क्योंकि उसका चरित्र सबसे अधिक विकसित है और कुछ हद तक उसके ऑन स्क्रीन व्यक्तित्व के कारण जो दर्शकों को चरित्र के साथ पहचानने में मदद करता है। बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो फ्रेंड्स, फर्रे की थिएट्रिकल रिलीज 24 नवंबर 2023 को हुई थी। इसे घरेलू स्तर पर 1000 स्क्रीनों पर रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब जहां पर आप इस फिल्म को ऑनलाइन देख पाएंगे तो फ्रेंड्स, फर्रे 5 अप्रैल 2024 को स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज होने वाली है। मतलब इस मूवी को अब आप ऑनलाइन Zee5 पर देख सकते हैं। फर्रे एक 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की डकैत थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन सोमेंद्र पाथी ने किया है। इसमें अली जे अग्निहोत्री के साथ रोनित रॉय, साहिल मेहता, जैन शॉ, प्रसन्ना बिष्ट, जूही बब्बर और शिल्पा शुक्ला मुख्य भूमिका में हैं। यह 2017 की थाई फिल्म बैड जीनियस का आधिकारिक रीमेक है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो नियति सिंह के रूप में है अली जी हैं अग्निहोत्री, इशरत कडा के रूप में रोनित रॉय, आकाश के रूप में है साहिल मेहता, जैन शॉ प्रतीक के रूप में है, छवि के रूप में प्रसन्ना बिष्ट, छवि के पिता के रूप में है अरबाज खान, जोया के रूप में जूही बब्बर, वेदिता मैथ्यू के रूप में शिल्पा शुक्ला, छात्र के रूप में है ईशान जैक हमें इस फिल्म में दिखाई देते हैं। बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत सचिन जिगर द्वारा संगीत रचित है। गीत जिगर सरेया, मेलोडी अभिषेक दुबे, सचिन जिगर और MC स्टेन द्वारा लिखे गए हैं। बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में तो फ्रेंड्स, समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटेन टोमेटोज पर 11 आलोचकों में से 82% समीक्षकाएं सकारात्मक है जिनकी औसत रेटिंग 5.6/10 है। इसे आलोचकों से मिश्रित से सकारात्मक समीक्षा मिली जिसमें अली जेह के प्रदर्शन की प्रशंसा की गई। NDTV के सेबल चटर्जी ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दी और कहा कि अली जेह अब तक फिर का सबसे चमकीला बिंदु है, वह एक बड़ी भूमिका निभाते हैं और इसका श्रेय देती है। साहिल मेहता, प्रसन्ना बिष्ट और जैन शॉ अन्य 3 युवा कलाकार हैं। कलाकारों की टुकड़ी में चित्रित करने के लिए कुछ हद तक कम बारीकी भूमिकाएं निभाते हैं, लेकिन फिर भी वे फिल्म को एक स्थिर ऊर्जा देते हैं। इंडिया टुडे के तुषार जोशी, युवा सितारों का यह समूह रोमांचकारी मार्कशीट में शीर्ष पर है। द इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से 3 स्टार रेटिंग दी और अग्निहोत्री के प्रदर्शन की प्रशंसा की और कहा, यह अग्निहोत्री है जिनकी बुद्धिमत्ता और महत्वाकांक्षा फेरे के केंद्र में है,
कहानी को एक साथ रखती है और अपने चरित्र को प्रसंगीत बनाए रखती है। वह फिल्म के विभिन्न चरणों में नियति के बदलावों को भी चतुराई से चित्रित करती है। हिंदुस्तान टाइम्स के प्रणय पाठक ने कहा कि सलमान खान की भतीजी अली जेहन अग्निहोत्री सोमेंद्र पाती की नवनीत फीचर फिल्म में एक मजबूत सिनेमाई शुरुआत करती है। द क्विट की प्रतीक्षा मिश्रा 5 में से 3 स्टार रेटिंग देती है और कहा कि अली जो बाकी कलाकारों से अलग है कुछ हद तक, क्योंकि उसका चरित्र सबसे अधिक विकसित है और कुछ हद तक उसके ऑन स्क्रीन व्यक्तित्व के कारण, जो दर्शकों को चरित्र के साथ पहचानने में मदद करता है। बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो फ्रेंड्स, फर्रे की थिएट्रिकल रिलीज 24 नवंबर 2023 को हुई थी। इसे घरेलू स्तर पर 1000 स्क्रीनों पर रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी के होम मीडिया, मतलब जहां पर आप इस फिल्म को ऑनलाइन देख पाएंगे, तो फ्रेंड्स फर्रे 5 अप्रैल 2024 को स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज़ होने वाली है। मतलब इस मूवी को अब आप ऑनलाइन Zee5 पर देख सकते हैं। फर्रे 1 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की डकैती थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन सोमेंद्र पाथी ने किया है। इसमें अली जे अग्निहोत्री के साथ रोनित रॉय, साहिल मेहता, जन शॉ, प्रसन्ना बिष्ट, जूही बब्बर और शिल्पा शुक्ला मुख्य भूमिका में हैं। यह 2017 की थाई फिल्म बैड जीनियस का आधिकारिक रीमेक है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो नियति सिंह के रूप में हैं अली जी है अग्निहोत्री, इशरत कडा के रूप में रोनित रॉय, आकाश के रूप में हैं साहिल मेहता, जैन शॉ प्रतीक के रूप में हैं, छवि के रूप में प्रसन्ना बिष्ट, छवि के पिता के रूप में हैं अरबाज खान, जोया के रूप में जूही बब्बर, वेदिता मैथ्यू के रूप में शिल्पा शुक्ला, छात्र के रूप में हैं ईशान जैक, हमें इस फिल्म में दिखाई देते हैं। बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत सचिन जिगर द्वारा संगीत रचित है। गीत जिगर सरेया, मेलोडी अभिषेक दुबे, सचिन जिगर और MC स्टेन द्वारा लिखे गए हैं। बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज़ के बारे में तो फ्रेंड्स, समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटेन टोमेटोज पर 11 आलोचकों में से 82% समीक्षकाएँ सकारात्मक है, जिनकी औसत रेटिंग 5.6 out of 10 है। इसे आलोचकों से मिश्रित से सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसमें अली जेह के प्रदर्शन की प्रशंसा की गई। NDTV के सेबल चटर्जी ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दी और कहा कि अली जेह अब तक फेर का सबसे चमकीला बिंदु है। वह एक बड़ी भूमिका निभाते हैं और इसका श्रेय देती है। साहिल मेहता, प्रसन्ना बिष्ट और जैन शॉ अन्य 3 युवा कलाकार हैं। कलाकारों की टुकड़ी में चित्रित करने के लिए कुछ हद तक कम बारीकी भूमिकाएं निभाते हैं, लेकिन फिर भी वे फिल्म को एक स्थिर ऊर्जा देते हैं। इंडिया टुडे के तुषार जोशी, युवा सितारों का यह समूह रोमांचकारी मार्कशीट में शीर्ष पर है। द इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से 3 स्टार रेटिंग दी और अग्निहोत्री के प्रदर्शन की प्रशंसा की और कहा, यह अग्निहोत्री है जिनकी बुद्धिमत्ता और महत्वाकांक्षा फेरे के केंद्र में है। कहानी को एक साथ रखती है और अपने चरित्र को प्रसंगीत बनाए रखती है। वह फिल्म के विभिन्न चरणों में नियति के बदलावों को भी
चतुराई सेन चित्रित कर दी है। हिंदुस्तान टाइम्स के प्रणय पाठक ने कहा कि सलमान खान की भतीजी अली जेहन अग्निहोत्री सोमेंद्र पाती की नवनीत फीचर फिल्म में एक मजबूत सिनेमाई शुरुआत करती है। द क्विट की प्रतीक्षा मिश्रा 5 में से 3 स्टार रेटिंग देती है और कहा कि अली जो बाकी कलाकारों से अलग है कुछ हद तक क्योंकि उसका चरित्र सबसे अधिक विकसित है और कुछ हद तक उसके ऑन स्क्रीन व्यक्तित्व के कारण जो दर्शकों को चरित्र के साथ पहचानने में मदद करता है। बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो फ्रेंड्स फर्रे की थिएट्रिकल रिलीज 24 नवंबर 2023 को हुई थी। इसे घरेलू स्तर पर 1000 स्क्रीनों पर रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब जहां पर आप इस फिल्म को ऑनलाइन देख पाएंगे तो फ्रेंड्स फर्रे 5 अप्रैल 2024 को स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज होने वाली है। मतलब इसको आप मूवी इस मूवी को अब आप ऑनलाइन Zee5 पर देख सकते हैं। फर्रे एक 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की डकैत थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन सोमेंद्र पाथी ने किया है। इसमें अली जे अग्निहोत्री के साथ रोनित रॉय साहिल मेहता जैन शॉ प्रसन्ना बिष्ट जूही बब्बर और शिल्पा शुक्ला मुख्य भूमिका में हैं। यह 2017 की थाई फिल्म बैड जीनियस का आधिकारिक रीमेक है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो नियति सिंह के रूप में हैं अली जी हैं अग्निहोत्री, इशरत कडा के रूप में रोनित रॉय, आकाश के रूप में हैं साहिल मेहता, जैन शॉ प्रतीक के रूप में हैं, छवि के रूप में प्रसन्ना बिष्ट, छवि के पिता के रूप में हैं अरबाज खान, जोया के रूप में जूही बब्बर, वेदिता मैथ्यू के रूप में शिल्पा शुक्ला, छात्र के रूप में हैं ईशान जैक हमें इस फिल्म में दिखाई देते हैं। बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत सचिन जिगर द्वारा संगीत रचित है। गीत जिगर सरेया, मेलोडी अभिषेक दुबे सचिन जिगर और एमसी स्टेन द्वारा लिखे गए हैं। बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में तो फ्रेंड्स समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटेन टोमेटोज पर 11 आलोचकों में से 82% समीक्षकाएं सकारात्मक है जिनकी औसत रेटिंग 5.6 out of 10 है। इसे आलोचकों से मिश्रित से सकारात्मक समीक्षा मिली जिसमें अली जेह के प्रदर्शन की प्रशंसा की गई। NDTV के सेबल चटर्जी ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दी और कहा कि अली जेह अब तक फिर का सबसे चमकीला बिंदु है। वह एक बड़ी भूमिका निभाते हैं और इसका श्रेय देती है। साहिल मेहता प्रसन्ना बिष्ट और जैन शॉ अन्य 3 युवा कलाकार हैं। कलाकारों की टुकड़ी में चित्रित करने के लिए कुछ हद तक कम बारीकी भूमिकाएं निभाते हैं लेकिन फिर भी वे फिल्म को एक स्थिर ऊर्जा देते हैं। इंडिया टुडे के तुषार जोशी युवा सितारों का यह समूह रोमांचकारी मार्कशीट में शीर्ष पर है। द इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से 3 स्टार रेटिंग दी और अग्निहोत्री के प्रदर्शन की प्रशंसा की और कहा यह अग्निहोत्री है जिनकी बुद्धिमत्ता और महत्वाकांक्षा फेरे के केंद्र में है। कहानी को एक साथ रखती है और अपने चरित्र को प्रसंगीत बनाए रखती है। वह फिल्म के विभिन्न चरणों में नियति के बदलावों को भी चतुराई से चित्रित कर दी है। हिंदुस्तान टाइम्स के प्रणय पाठक ने कहा कि सलमान खान की भतीजी अली जेहन अग्निहोत्री सोमेंद्र पाती की
नवनीत फीचर फिल्में एक मजबूत सिनेमाई शुरुआत करती है। द क्विट की प्रतीक्षा मिश्रा 5 में से 3 स्टार रेटिंग देती है और कहा कि अली जो बाकी कलाकारों से अलग है कुछ हद तक, क्योंकि उसका चरित्र सबसे अधिक विकसित है और कुछ हद तक उसके ऑन स्क्रीन व्यक्तित्व के कारण जो दर्शकों को चरित्र के साथ पहचानने में मदद करता है। बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो फ्रेंड्स, फर्रे की थिएट्रिकल रिलीज 24 नवंबर 2023 को हुई थी। इसे घरेलू स्तर पर 1000 स्क्रीनों पर रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब जहां पर आप इस फिल्म को ऑनलाइन देख पाएंगे तो फ्रेंड्स, फर्रे 5 अप्रैल 2024 को स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज होने वाली है। मतलब इस मूवी को अब आप ऑनलाइन Zee5 पर देख सकते हैं। फर्रे एक 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की डकैत थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन सोमेंद्र पाथी ने किया है। इसमें अली जे, अग्निहोत्री के साथ रोनित रॉय, साहिल मेहता, जन शॉ, प्रसन्ना बिष्ट, जूही बब्बर और शिल्पा शुक्ला मुख्य भूमिका में हैं। यह 2017 की थाई फिल्म बैड जीनियस का आधिकारिक रीमेक है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो नियति सिंह के रूप में हैं अली जी हैं अग्निहोत्री, इशरत कडा के रूप में रोनित रॉय, आकाश के रूप में हैं साहिल मेहता, जैन शॉ प्रतीक के रूप में हैं, छवि के रूप में प्रसन्ना बिष्ट, छवि के पिता के रूप में हैं अरबाज खान, जोया के रूप में जूही बब्बर, वेदिता मैथ्यू के रूप में शिल्पा शुक्ला, छात्र के रूप में हैं ईशान जैक, हमें इस फिल्म में दिखाई देते हैं। बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत सचिन जिगर द्वारा संगीत रचित है। गीत जिगर सरेया, मेलोडी अभिषेक दुबे, सचिन जिगर और एमसी स्टेन द्वारा लिखे गए हैं। बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में तो फ्रेंड्स, समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटेन टोमेटोज पर 11 आलोचकों में से 82% समीक्षकाएं सकारात्मक है जिनकी औसत रेटिंग 5.6 आउट ऑफ 10 है। इसे आलोचकों से मिश्रित से सकारात्मक समीक्षा का मिली जिसमें अली जी के प्रदर्शन की प्रशंसा की गई। NDTV के सेबल चटर्जी ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दी और कहा कि अली जी अब तक फिर का सबसे चमकीला बिंदु है, वह एक बड़ी भूमिका निभाते हैं और इसका श्रेय देती है। साहिल मेहता, प्रसन्ना बिष्ट और जैन शॉ अन्य 3 युवा कलाकार हैं। कलाकारों की टुकड़ी में चित्रित करने के लिए कुछ हद तक कम बारीकी भूमिकाएं निभाते हैं, लेकिन फिर भी वे फिल्म को एक स्थिर ऊर्जा देते हैं। इंडिया टुडे के तुषार जोशी युवा सितारों का यह समूह रोमांचकारी मार्कशीट में शीर्ष पर है। द इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से 3 स्टार रेटिंग दी और अग्निहोत्री के प्रदर्शन की प्रशंसा की और कहा, यह अग्निहोत्री है जिनकी बुद्धिमत्ता और महत्वाकांक्षा फेरे के केंद्र में है, कहानी को एक साथ रखती है और अपने चरित्र को प्रसंगीत बनाए रखती है। वह फिल्म के विभिन्न चरणों में नियति के बदलावों को भी चतुराई से चित्रित करती है। हिंदुस्तान टाइम्स के प्रणय पाठक ने कहा कि सलमान खान की भतीजी अली जेहन अग्निहोत्री सोमेंद्र पाथी की नवनीत फीचर फिल्म में एक मजबूत सिनेमाई शुरुआत करती है। द क्विट की प्रतीक्षा मिश्रा 5 में से 3 स्टार रेटिंग देती है और कहा कि
अली जो बाकी कलाकारों से अलग है कुछ हद तक, क्योंकि उसका चरित्र सबसे अधिक विकसित है और कुछ हद तक उसके ऑन स्क्रीन व्यक्तित्व के कारण, जो दर्शकों को चरित्र के साथ पहचानने में मदद करता है। बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में, तो फ्रेंड्स फर्रे की थिएट्रिकल रिलीज 24 नवंबर 2023 को हुई थी। इसे घरेलू स्तर पर 1000 स्क्रीनों पर रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी के होम मीडिया, मतलब जहां पर आप इस फिल्म को ऑनलाइन देख पाएंगे, तो फ्रेंड्स फर्रे 5 अप्रैल 2024 को स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज होने वाली है। मतलब इसको आप इस मूवी को अब आप ऑनलाइन Zee5 पर देख सकते हैं। फर्रे एक 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की डकैती थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन सोमेंद्र पाथी ने किया है। इसमें अली जे, अग्निहोत्री के साथ रोनित रॉय, साहिल मेहता, जैन शॉ, प्रसन्ना बिष्ट, जूही बब्बर और शिल्पा शुक्ला मुख्य भूमिका में हैं। यह 2017 की थाई फिल्म बैड जीनियस का आधिकारिक रीमेक है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो नियति सिंह के रूप में हैं अली जी, हैं अग्निहोत्री, इशरत कडा के रूप में रोनित रॉय, आकाश के रूप में हैं साहिल मेहता, जैन शॉ प्रतीक के रूप में हैं, छवि के रूप में प्रसन्ना बिष्ट, छवि के पिता के रूप में हैं अरबाज खान, जोया के रूप में जूही बब्बर, वेदिता मैथ्यू के रूप में शिल्पा शुक्ला, छात्र के रूप में हैं ईशान जैक, हमें इस फिल्म में दिखाई देते हैं। बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में, तो फिल्म का संगीत सचिन जिगर द्वारा संगीत रचित है। गीत जिगर सरेया, मेलोडी अभिषेक दुबे, सचिन जिगर और एमसी स्टेन द्वारा लिखे गए हैं। बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में, तो फ्रेंड्स समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटेन टोमेटोज पर 11 आलोचकों में से 82% समीक्षकाएं सकारात्मक है, जिनकी औसत रेटिंग 5.6/10 है। इसे आलोचकों से मिश्रित से सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसमें अली जेह के प्रदर्शन की प्रशंसा की गई। NDTV के सेबल चटर्जी ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दी और कहा है कि अली जेह अब तक फिर का सबसे चमकीला बिंदु है। वह एक बड़ी भूमिका निभाते हैं और इसका श्रेय देती है। साहिल मेहता, प्रसन्ना बिष्ट और जैन शॉ अन्य 3 युवा कलाकार हैं। कलाकारों की टुकड़ी में चित्रित करने के लिए कुछ हद तक कम बारीकी भूमिकाएं निभाते हैं, लेकिन फिर भी वे फिल्म को एक स्थिर ऊर्जा देते हैं। इंडिया टुडे के तुषार जोशी, युवा सितारों का यह समूह रोमांचकारी मार्कशीट में शीर्ष पर है। द इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से 3 स्टार रेटिंग दी और अग्निहोत्री के प्रदर्शन की प्रशंसा की और कहा, यह अग्निहोत्री है जिनकी बुद्धिमत्ता और महत्वाकांक्षा फेरे के केंद्र में है, कहानी को एक साथ रखती है और अपने चरित्र को प्रसंगीत बनाए रखती है। वह फिल्म के विभिन्न चरणों में नियति के बदलावों को भी चतुराई से चित्रित करती है। हिंदुस्तान टाइम्स के प्रणय पाठक ने कहा कि सलमान खान की भतीजी अली जेहन अग्निहोत्री सोमेंद्र पाथी की नवनीत फीचर फिल्म में एक मजबूत सिनेमाई शुरुआत करती है। द ट्वीट की प्रतीक्षा मिश्रा 5 में से 3 स्टार रेटिंग देती है और कहा कि अली जो बाकी कलाकारों से अलग है कुछ हद तक, क्योंकि उसका चरित्र सबसे अधिक विकसित है और कुछ हद तक उसके ऑन स्क्रीन व्यक्तित्व के कारण,
जो दर्शकों को चरित्र के साथ पहचानने में मदद करता है। बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो फ्रेंड्स, फरे किंग थिएट्रिकल रिलीज 24 नवंबर 2023 को हुई थी। इसे घरेलू स्तर पर 1000 स्क्रीनों पर रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब जहां पर आप इस फिल्म को ऑनलाइन देख पाएंगे तो फ्रेंड्स, फरे 5 अप्रैल 2024 को स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज होने वाली है। मतलब इस मूवी को अब आप ऑनलाइन Zee5 पर देख सकते हैं। फरे एक 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की डकैती थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन सोमेंद्र पाथी ने किया है। इसमें अलीजे अग्निहोत्री के साथ रोनित रॉय, साहिल मेहता, जैन शॉ, प्रसन्ना बिष्ट, जूही बब्बर और शिल्पा शुक्ला मुख्य भूमिका में हैं। यह 2017 की थाई फिल्म बैड जीनियस का आधिकारिक रीमेक है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो नियति सिंह के रूप में हैं अलीजी है अग्निहोत्री, इशरत कडा के रूप में रोनित रॉय, आकाश के रूप में हैं साहिल मेहता, जैन शॉ प्रतीक के रूप में हैं, छवि के रूप में प्रसन्ना बिष्ट, छवि के पिता के रूप में हैं अरबाज खान, जोया के रूप में जूही बब्बर, वेदिता मैथ्यू के रूप में शिल्पा शुक्ला, छात्र के रूप में हैं ईशान जैक हमें इस फिल्म में दिखाई देते हैं। बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत सचिन जिगर द्वारा संगीत रचित है। गीत जिगर सरेया, मेलोडी अभिषेक दुबे, सचिन जिगर और एमसी स्टेन द्वारा लिखे गए हैं। बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में तो फ्रेंड्स, समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटेन टोमेटोज पर 11 आलोचकों में से 82% समीक्षकाएं सकारात्मक है जिनकी औसत रेटिंग 5.6 आउट ऑफ 10 है। इसे आलोचकों से मिश्रित से सकारात्मक समीक्षा का मिली जिसमें अलीजिह के प्रदर्शन की प्रशंसा की गई। NDTV के सेबल चटर्जी ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दी और कहा कि अलीजिह अब तक फेर का सबसे चमकीला बिंदु है। वह एक बड़ी भूमिका निभाते हैं और इसका श्रेय देती है। साहिल मेहता, प्रसन्ना बिष्ट और जैन शॉ अन्य 3 युवा कलाकार हैं। कलाकारों की टुकड़ी में चित्रित करने के लिए कुछ हद तक कम बारीकी भूमिकाएं निभाते हैं, लेकिन फिर भी वे फिल्म को एक स्थिर ऊर्जा देते हैं। इंडिया टुडे के तुषार जोशी युवा सितारों का यह समूह रोमांचकारी मार्क शीट में शीर्ष पर है। द इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से 3 स्टार रेटिंग दी और अग्निहोत्री के प्रदर्शन की प्रशंसा की और कहा, यह अग्निहोत्री है जिनकी बुद्धिमत्ता और महत्वाकांक्षा फेरे के केंद्र में है। कहानी को एक साथ रखती है और अपने चरित्र को प्रसंगीत बनाए रखती है। वह फिल्म के विभिन्न चरणों में नियति के बदलावों को भी चतुराई से चित्रित करती है। हिंदुस्तान टाइम्स के प्रणय पाठक ने कहा कि सलमान खान की भतीजी अली जेहन अग्निहोत्री सोमेंद्र पाथी की नवनीत फीचर फिल्म में एक मजबूत सिनेमाई शुरुआत करती है। द क्विट की प्रतीक्षा मिश्रा 5 में से 3 स्टार रेटिंग देती है और कहा कि अलीजह बाकी कलाकारों से अलग है कुछ हद तक क्योंकि उसका चरित्र सबसे अधिक विकसित है और कुछ हद तक उसके ऑन स्क्रीन व्यक्तित्व के कारण जो दर्शकों को चरित्र के साथ पहचानने में मदद करता है। बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो फ्रेंड्स, फरे किंग थिएट्रिकल रिलीज 24 नवंबर 2023 को
हुई थी। इसे घरेलू स्तर पर 1000 स्क्रीनों पर रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब जहां पर आप इस फिल्म को ऑनलाइन देख पाएंगे तो फ्रेंड्स फरे 5 अप्रैल 2024 को स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज होने वाली है। मतलब इस मूवी को अब आप ऑनलाइन Zee5 पर देख सकते हैं। फरे 1 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की डकैती थ्रिलर फिल्में जिसका निर्देशन सोमेंद्र पाथी ने किया है। इसमें अली जे अग्निहोत्री के साथ रोनित रॉय साहिल मेहता जैन शॉ प्रसन्ना बिष्ट जूही बब्बर और शिल्पा शुक्ला मुख्य भूमिका में हैं। यह 2017 की थाई फिल्म बैड जीनियस का आधिकारिक रीमेक है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो नियति सिंह के रूप में है अली जी हैं अग्निहोत्री, इशरत कडा के रूप में रोनित रॉय, आकाश के रूप में हैं साहिल मेहता, जैन शॉ प्रतीक के रूप में हैं, छवि के रूप में प्रसन्ना बिष्ट, छवि के पिता के रूप में हैं अरबाज खान, जोयाम के रूप में जूही बब्बर, वेदिता मैथ्यू के रूप में शिल्पा शुक्ला, छात्र के रूप में हैं ईशान जैक हमें इस फिल्म में दिखाई देते हैं। बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत सचिन जिगर द्वारा संगीत रचित है। गीत जिगर सरेया, मेलोडी अभिषेक दुबे सचिन जिगर और एमसी स्टेन द्वारा लिखे गए हैं। बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में तो फ्रेंड्स समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटेन टोमेटोज पर 11 आलोचकों में से 82% समीक्षकाएं सकारात्मक है जिनकी औसत रेटिंग 5.6/10 है। इसे आलोचकों से मिश्रित से सकारात्मक समीक्षा मिली जिसमें अली जेह के प्रदर्शन की प्रशंसा की गई। NDTV के सेबल चटर्जी ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दी और कहा है कि अली जेह अब तक फिर का सबसे चमकीला बिंदु है। वह एक बड़ी भूमिका निभाते हैं और इसका श्रेय देती है। साहिल मेहता प्रसन्ना बिष्ट और जैन शॉ अन्य 3 युवा कलाकार हैं। कलाकारों की टुकड़ी में चित्रित करने के लिए कुछ हद तक कम बारीकी भूमिकाएं निभाते हैं लेकिन फिर भी वे फिल्म को एक स्थिर ऊर्जा देते हैं। इंडिया टुडे के तुषार जोशी युवा सितारों का यह समूह रोमांचकारी मार्कशीट में शीर्ष पर है। द इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से 3 स्टार रेटिंग दी और अग्निहोत्री के प्रदर्शन की प्रशंसा की और कहा यह अग्निहोत्री है जिनकी बुद्धिमत्ता और महत्वाकांक्षा फेरे के केंद्र में है। कहानी को एक साथ रखती है और अपने चरित्र को प्रसंगीत बनाए रखती है। वह फिल्म के विभिन्न चरणों में नियति के बदलावों को भी चतुराई से चित्रित करती है। हिंदुस्तान टाइम्स के प्रणय पाठक ने कहा कि सलमान खान की भतीजी अली जेहन अग्निहोत्री सोमेंद्र पाथी की नवनीत फीचर फिल्म में एक मजबूत सिनेमाई शुरुआत करती है। द ट्वीट की प्रतीक्षा मिश्रा 5 में से 3 स्टार रेटिंग देती है और कहा कि अली जो बाकी कलाकारों से अलग है कुछ हद तक क्योंकि उसका चरित्र सबसे अधिक विकसित है और कुछ हद तक उसके ऑन स्क्रीन व्यक्तित्व के कारण जो दर्शकों को चरित्र के साथ पहचानने में मदद करता है। बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो फ्रेंड्स फरे की थिएट्रिकल रिलीज 24 नवंबर 2023 को हुई थी। इसे घरेलू स्तर पर 1000 स्क्रीनों पर रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब जहां पर आप इस फिल्म को ऑनलाइन देख पाएंगे तो फ्रेंड्स फरे 5 अप्रैल 2024
24 को स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज होने वाली है। मतलब इसको आप मूवी इस मूवी को अब आप ऑनलाइन Zee5 पर देख सकते हैं। फर्रे एक 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की डकैती थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन सोमेंद्र पाथी ने किया है। इसमें अलीजे अग्निहोत्री के साथ रोनित रॉय, साहिल मेहता, जॉन शॉ, प्रसन्ना बिष्ट, जूही बब्बर और शिल्पा शुक्ला मुख्य भूमिका में हैं। यह 2017 की थाई फिल्म बैड जीनियस का आधिकारिक रीमेक है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो नियति सिंह के रूप में हैं अलीजी है अग्निहोत्री, इशरत कडा के रूप में रोनित रॉय, आकाश के रूप में हैं साहिल मेहता, जेन शॉ प्रतीक के रूप में हैं, छवि के रूप में प्रसन्ना बिष्ट, छवि के पिता के रूप में हैं अरबाज खान, जोया के रूप में जूही बब्बर, वेदिता मैथ्यू के रूप में शिल्पा शुक्ला, छात्र के रूप में हैं ईशान जैक हमें इस फिल्म में दिखाई देते हैं। बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत सचिन जिगर द्वारा संगीत रचित है। गीत जिगर सरेया, मेलोडी अभिषेक दुबे, सचिन जिगर और MC स्टेन द्वारा लिखे गए हैं। बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज़ के बारे में तो फ्रेंड्स, समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटेन टोमेटोज पर 11 आलोचकों में से 82% समीक्षकाएं सकारात्मक है, जिनकी औसत रेटिंग 5.6 आउट ऑफ 10 है। इसे आलोचकों से मिश्रित से सकारात्मक समीक्षा का मिली, जिसमें अलीजियो के प्रदर्शन की प्रशंसा की गई। NDTV के सेबल चटर्जी ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दी और कहा कि अलीजे अब तक फेर का सबसे चमकीला बिंदु है, वह एक बड़ी भूमिका निभाते हैं और इसका श्रेय देती है। साहिल मेहता, प्रसन्ना बिष्ट और जेन शॉ अन्य 3 युवा कलाकार हैं। कलाकारों की टुकड़ी में चित्रित करने के लिए कुछ हद तक कम बारीकी भूमिकाएं निभाते हैं, लेकिन फिर भी वे फिल्म को एक स्थिर ऊर्जा देते हैं। इंडिया टुडे के तुषार जोशी युवा सितारों का यह समूह रोमांचकारी मार्क शीट में शीर्ष पर है। द इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से 3 स्टार रेटिंग दी और अग्निहोत्री के प्रदर्शन की प्रशंसा की और कहा, यह अग्निहोत्री है जिनकी बुद्धिमत्ता और महत्वाकांक्षा फेरे के केंद्र में है, कहानी को एक साथ रखती है और अपने चरित्र को प्रसंगीत बनाए रखती है। वह फिल्म के विभिन्न चरणों में नियति के बदलावों को भी चतुराई से चित्रित करती है। हिंदुस्तान टाइम्स के प्रणय पाठक ने कहा कि सलमान खान की भतीजी अली जेहन अग्निहोत्री सोमेंद्र पाथी की नवनीत फीचर फिल्म में एक मजबूत सिनेमाई शुरुआत करती है। द क्विट की प्रतीक्षा मिश्रा 5 में से 3 स्टार रेटिंग देती है और कहा कि अली जो बाकी कलाकारों से अलग है कुछ हद तक, क्योंकि उसका चरित्र सबसे अधिक विकसित है और कुछ हद तक उसके ऑन स्क्रीन व्यक्तित्व के कारण, जो दर्शकों को चरित्र के साथ पहचानने में मदद करता है। बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो फ्रेंड्स, फर्रे की थिएट्रिकल रिलीज 24 नवंबर 2023 को हुई थी। इसे घरेलू स्तर पर 1000 स्क्रीनों पर रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी के होम मीडिया, मतलब जहां पर आप इस फिल्म को ऑनलाइन देख पाएंगे तो फ्रेंड्स, फर्रे 5 अप्रैल 2024 को स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज होने वाली है। मतलब इसको आप मूवी इस मूवी को अब आप ऑनलाइन Zee5 पर देख सकते हैं।
फर्रे एक 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की डकैत थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन सोमेंद्र पाथी ने किया है। इसमें अली जे, अग्निहोत्री के साथ रोनित रॉय, साहिल मेहता, जॉन शॉ, प्रसन्ना बिष्ट, जूही बब्बर और शिल्पा शुक्ला मुख्य भूमिका में हैं। यह 2017 की थाई फिल्म बैड जीनियस का आधिकारिक रीमेक है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो नियति सिंह के रूप में है अली जी, हैं अग्निहोत्री, इशरत कडा के रूप में रोनित रॉय, आकाश के रूप में हैं साहिल मेहता, जेन शॉ प्रतीक के रूप में हैं, छवि के रूप में प्रसन्ना बिष्ट, छवि के पिता के रूप में हैं अरबाज खान, जोया के रूप में जूही बब्बर, वेदिता मैथ्यू के रूप में शिल्पा शुक्ला, छात्र के रूप में हैं ईशान जैक, हमें इस फिल्म में दिखाई देते हैं। बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत सचिन जिगर द्वारा संगीत रचित है। गीत जिगर सरैया, मेलोडी अभिषेक दुबे, सचिन जिगर और एमसी स्टेन द्वारा लिखे गए हैं। बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में तो फ्रेंड्स, समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटेन टोमेटोज पर 11 आलोचकों में से 82% समीक्षकाएं सकारात्मक है, जिनकी औसत रेटिंग 5.6/10 है। इसे आलोचकों से मिश्रित से सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसमें अली जेह के प्रदर्शन की प्रशंसा की गई। NDTV के सेबल चटर्जी ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दी और कहा है कि अली जेह अब तक फिर का सबसे चमकीला बिंदु है, वह एक बड़ी भूमिका निभाते हैं और इसका श्रेय देती है। साहिल मेहता, प्रसन्ना बिष्ट और जेन शॉ अन्य 3 युवा कलाकार हैं। कलाकारों की टुकड़ी में चित्रित करने के लिए कुछ हद तक कम बारीकी भूमिकाएं निभाते हैं, लेकिन फिर भी वे फिल्म को एक स्थिर ऊर्जा देते हैं। इंडिया टुडे के तुषार जोशी, युवा सितारों का यह समूह रोमांचकारी मार्कशीट में शीर्ष पर है। द इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से 3 स्टार रेटिंग दी और अग्निहोत्री के प्रदर्शन की प्रशंसा की और कहा, यह अग्निहोत्री है जिनकी बुद्धिमत्ता और महत्वाकांक्षा फेरे के केंद्र में है, कहानी को एक साथ रखती है और अपने चरित्र को प्रसंगीत बनाए रखती है। वह फिल्म के विभिन्न चरणों में नियति के बदलावों को भी चतुराई से चित्रित करती है। हिंदुस्तान टाइम्स के प्रणय पाठक ने कहा कि सलमान खान की भतीजी अली जेह अग्निहोत्री सोमेंद्र पाथी की नवनीत फीचर फिल्म में एक मजबूत सिनेमाई शुरुआत करती है। द क्विट की प्रतीक्षा मिश्रा 5 में से 3 स्टार रेटिंग देती है और कहा कि अली जेह बाकी कलाकारों से अलग है कुछ हद तक, क्योंकि उसका चरित्र सबसे अधिक विकसित है और कुछ हद तक उसके ऑन स्क्रीन व्यक्तित्व के कारण, जो दर्शकों को चरित्र के साथ पहचानने में मदद करता है। बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो फ्रेंड्स, फर्रे की थिएट्रिकल रिलीज 24 नवंबर 2023 को हुई थी। इसे घरेलू स्तर पर 1000 स्क्रीनों पर रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी के होम मीडिया, मतलब जहां पर आप इस फिल्म को ऑनलाइन देख पाएंगे, तो फ्रेंड्स, फर्रे 5 अप्रैल 2024 को स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज होने वाली है। मतलब इसको आप मूवी इस मूवी को अब आप ऑनलाइन Zee5 पर देख सकते हैं। फर्रे एक 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की डकैत थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन सोमेंद्र पाथी ने किया है। इसमें अली जे, अग्निहोत्री के साथ रोनित रॉय, साहिल मेहता, जॉन शॉ,
प्रसन्ना बिष्ट, जूही बब्बर और शिल्पा शुक्ला मुख्य भूमिका में हैं। यह 2017 की थाई फिल्म बैड जीनियस का आधिकारिक रीमेक है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो नियति सिंह के रूप में हैं अली जी हैं अग्निहोत्री, इशरत कडा के रूप में रोनित रॉय, आकाश के रूप में हैं साहिल मेहता, जैन शॉ प्रतीक के रूप में हैं, छवि के रूप में प्रसन्ना बिष्ट, छवि के पिता के रूप में हैं अरबाज खान, जोया के रूप में जूही बब्बर, वेदिता मैथ्यू के रूप में शिल्पा शुक्ला, छात्र के रूप में हैं ईशान जैक हमें इस फिल्म में दिखाई देते हैं। बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत सचिन जिगर द्वारा संगीत रचित है। गीत जिगर सरेया, मेलोडी अभिषेक दुबे, सचिन जिगर और एमसी स्टेन द्वारा लिखे गए हैं। बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज़ के बारे में तो फ्रेंड्स, समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटेन टोमेटोज पर 11 आलोचकों में से 82% समीक्षकाएं सकारात्मक है, जिनकी औसत रेटिंग 5.6 आउट ऑफ 10 है। इसे आलोचकों से मिश्रित से सकारात्मक समीक्षा का मिली, जिसमें अली जी के प्रदर्शन की प्रशंसा की गई। NDTV के सेबल चटर्जी ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दी और कहा कि अली जी अब तक फिर का सबसे चमकीला बिंदु है, वह एक बड़ी भूमिका निभाते हैं और इसका श्रेय देती है। साहिल मेहता, प्रसन्ना बिष्ट और जैन शॉ अन्य 3 युवा कलाकार हैं। कलाकारों की टुकड़ी में चित्रित करने के लिए कुछ हद तक कम बारीकी भूमिकाएं निभाते हैं, लेकिन फिर भी वे फिल्म को एक स्थिर ऊर्जा देते हैं। इंडिया टुडे के तुषार जोशी, युवा सितारों का यह समूह रोमांचकारी मार्क शीट में शीर्ष पर है। द इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से 3 स्टार रेटिंग दी और अग्निहोत्री के प्रदर्शन की प्रशंसा की और कहा, यह अग्निहोत्री है जिनकी बुद्धिमत्ता और महत्वाकांक्षा फेरे के केंद्र में है, कहानी को एक साथ रखती है और अपने चरित्र को प्रसंगीत बनाए रखती है। वह फिल्म के विभिन्न चरणों में नियति के बदलावों को भी चतुराई से चित्रित करती है। हिंदुस्तान टाइम्स के प्रणय पाठक ने कहा कि सलमान खान की भतीजी अली जेहन अग्निहोत्री सोमेंद्र पाती की नवनीत फीचर फिल्म में एक मजबूत सिनेमाई शुरुआत करती है। द क्विट की प्रतीक्षा मिश्रा 5 में से 3 स्टार रेटिंग देती है और कहा कि अली जो बाकी कलाकारों से अलग है कुछ हद तक, क्योंकि उसका चरित्र सबसे अधिक विकसित है और कुछ हद तक उसके ऑन स्क्रीन व्यक्तित्व के कारण, जो दर्शकों को चरित्र के साथ पहचानने में मदद करता है। बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो फ्रेंड्स, फर्रे की थिएट्रिकल रिलीज 24 नवंबर 2023 को हुई थी। इसे घरेलू स्तर पर 1000 स्क्रीनों पर रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी के होम मीडिया, मतलब जहां पर आप इस फिल्म को ऑनलाइन देख पाएंगे तो फ्रेंड्स, फर्रे 5 अप्रैल 2024 को स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज होने वाली है। मतलब इस मूवी को आप ऑनलाइन Zee5 पर देख सकते हैं। फर्रे एक 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की डकैती थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन सोमेंद्र पाथी ने किया है। इसमें अली जे अग्निहोत्री के साथ रोनित रॉय, साहिल मेहता, जैन शॉ, प्रसन्ना बिष्ट, जूही बब्बर और शिल्पा शुक्ला मुख्य भूमिका में हैं। यह 2017 की थाई फिल्म बैड जीनियस का आधिकारिक रीमेक है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में
तो नियति सिंह के रूप में है, अलीजी है अग्निहोत्री, ईशरत गड्ढा के रूप में रोनित रॉय, आकाश के रूप में है साहिल मेहता, जैन शॉ प्रतीक के रूप में है, छवि के रूप में प्रसन्ना बिष्ट, छवि के पिता के रूप में है अरबाज खान, जोयाम के रूप में जूही बब्बर, वेदिता मैथ्यू के रूप में शिल्पा शुक्ला, छात्र के रूप में है ईशान जैक, हमें इस फिल्म में दिखाई देते हैं। बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत सचिन जिगर द्वारा संगीत रचित है, गीत जिगर सरैया, मेलोडी अभिषेक दुबे, सचिन जिगर और एमसी स्टेन द्वारा लिखे गए हैं। बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में तो फ्रेंड्स, समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटेन टोमेटोज पर 11 आलोचकों में से 82% समीक्षकाएं सकारात्मक है, जिनकी औसत रेटिंग 5.6/10 है। इसे आलोचकों से मिश्रित से सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसमें अलीजह के प्रदर्शन की प्रशंसा की गई। NDTV के सेबल चटर्जी ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दी और कहा है कि अलीजह अब तक फेर का सबसे चमकीला बिंदु है, वह एक बड़ी भूमिका निभाते हैं और इसका श्रेय देती है। साहिल मेहता, प्रसन्ना बिष्ट और जैन शॉ अन्य 3 युवा कलाकार हैं। कलाकारों की टुकड़ी में चित्रित करने के लिए कुछ हद तक कम बारीकी भूमिकाएं निभाते हैं, लेकिन फिर भी वे फिल्म को एक स्थिर ऊर्जा देते हैं। इंडिया टुडे के तुषार जोशी, युवा सितारों का यह समूह रोमांचकारी मार्कशीट में शीर्ष पर है। द इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से 3 स्टार रेटिंग दी और अग्निहोत्री के प्रदर्शन की प्रशंसा की और कहा, यह अग्निहोत्री है जिनकी बुद्धिमत्ता और महत्वाकांक्षा फेरे के केंद्र में है, कहानी को एक साथ रखती है और अपने चरित्र को प्रसंगीत बनाए रखती है। वह फिल्म के विभिन्न चरणों में नियति के बदलावों को भी चतुराई से चित्रित करती है। हिंदुस्तान टाइम्स के प्रणय पाठक ने कहा कि सलमान खान की भतीजी अली जेहन अग्निहोत्री सोमेंद्र पाती की नवनीत फीचर फिल्म में एक मजबूत सिनेमाई शुरुआत करती है। द क्विट की प्रतीक्षा मिश्रा 5 में से 3 स्टार रेटिंग देती है और कहा कि अली जो बाकी कलाकारों से अलग है कुछ हद तक, क्योंकि उसका चरित्र सबसे अधिक विकसित है और कुछ हद तक उसके ऑन स्क्रीन व्यक्तित्व के कारण, जो दर्शकों को चरित्र के साथ पहचानने में मदद करता है। बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो फ्रेंड्स, फर्रे की थिएट्रिकल रिलीज 24 नवंबर 2023 को हुई थी। इसे घरेलू स्तर पर 1000 स्क्रीनों पर रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी के होम मीडिया, मतलब जहां पर आप इस फिल्म को ऑनलाइन देख पाएंगे, तो फ्रेंड्स फर्रे 5 अप्रैल 2024 को स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज होने वाली है। मतलब इस मूवी को अब आप ऑनलाइन Zee5 पर देख सकते हैं। फर्रे एक 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की डकैती थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन सोमेंद्र पाथी ने किया है। इसमें अलीजे अग्निहोत्री के साथ रोनित रॉय, साहिल मेहता, जैन शॉ, प्रसन्ना बिष्ट, जूही बब्बर और शिल्पा शुक्ला मुख्य भूमिका में हैं। यह 2017 की थाई फिल्म बैड जीनियस का आधिकारिक रीमेक है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो नियति सिंह के रूप में है अलीजह अग्निहोत्री, ईशरत गड्ढा के रूप में रोनित रॉय, आकाश के रूप में है साहिल मेहता, जैन शॉ प्रतीक के रूप में है,
छवि के रूप में प्रसन्नाभीष्ट, छवि के पिता के रूप में अरबाज खान, जोयांग के रूप में जूही बब्बर, वेदिता मैथ्यू के रूप में शिल्पा शुक्ला, छात्र के रूप में हैं ईशान जैक, हमें इस फिल्म में दिखाई देते हैं। बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत सचिन जिगर द्वारा संगीत रचित है, गीत जिगर सरैया, मेलोडी अभिषेक दुबे, सचिन जिगर और एमसी स्टेन द्वारा लिखे गए हैं। बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में तो फ्रेंड्स, समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटेन टोमेटोज पर 11 आलोचकों में से 82% समीक्षकाएं सकारात्मक है, जिनकी औसत रेटिंग 5.6 आउट ऑफ 10 है। इसे आलोचकों से मिश्रित से सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसमें अली जियो के प्रदर्शन की प्रशंसा की गई। NDTV के सेबल चटर्जी ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दी और कहा है कि अली जय अब तक फेर का सबसे चमकीला बिंदु है, वह एक बड़ी भूमिका निभाते हैं और इसका श्रेय देती है। साहिल मेहता, प्रसन्ना बिष्ट और जैन शॉ अन्य 3 युवा कलाकार हैं। कलाकारों की टुकड़ी में चित्रित करने के लिए कुछ हद तक कम बारीकी भूमिकाएं निभाते हैं, लेकिन फिर भी वे फिल्म को एक स्थिर ऊर्जा देते हैं। इंडिया टुडे के तुषार जोशी, युवा सितारों का यह समूह रोमांचकारी मार्कशीट में शीर्ष पर है। द इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से 3 स्टार रेटिंग दी और अग्निहोत्री के प्रदर्शन की प्रशंसा की और कहा, यह अग्निहोत्री है जिनकी बुद्धिमत्ता और महत्वाकांक्षा फेरे के केंद्र में है, कहानी को एक साथ रखती है और अपने चरित्र को प्रसंगीत बनाए रखती है। वह फिल्म के विभिन्न चरणों में नियति के बदलावों को भी चतुराई से चित्रित करती है। हिंदुस्तान टाइम्स के प्रणय पाठक ने कहा कि सलमान खान की भतीजी अली जेहन अग्निहोत्री सोमेंद्र पाती की नवनीत फीचर फिल्म में एक मजबूत सिनेमाई शुरुआत करती है। द क्विट की प्रतीक्षा मिश्रा 5 में से 3 स्टार रेटिंग देती है और कहा कि अली जो बाकी कलाकारों से अलग है कुछ हद तक, क्योंकि उसका चरित्र सबसे अधिक विकसित है और कुछ हद तक उसके ऑन स्क्रीन व्यक्तित्व के कारण, जो दर्शकों को चरित्र के साथ पहचानने में मदद करता है। बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो फ्रेंड्स, फर्रे की थिएट्रिकल रिलीज 24 नवंबर 2023 को हुई थी। इसे घरेलू स्तर पर 1000 स्क्रीनों पर रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी के होम मीडिया, मतलब जहां पर आप इस फिल्म को ऑनलाइन देख पाएंगे तो फ्रेंड्स, फर्रे 5 अप्रैल 2024 को स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज होने वाली है। मतलब इस मूवी को आप ऑनलाइन Zee5 पर देख सकते हैं। इस तरह की वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।